Santosh, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Bhigi bhigi si hai raate, bhigi bhigi yaade, bhigi bhigi baate, bhigi bhigi aankho mein kaisi nami hai. Chal beta selfie le le re. कैसे मैं छुपाऊं तेरा एहसान, मैं तेरी चुनरिया लहराए. नीचे मुझे कोई डोर, तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी ओर हर पल. जो आंखों में बसी ख्वाबों की डोरी से हमें अपनी लिखाई की ओर खींचते हैं, और जो टच करके हमारे दिल को कभी छोड़ देते हैं और कभी कैच कर लेते हैं, और जो कभी सपनों के साये को पलकों में ले आते हैं, और कभी कभी तो हमारी बूटिया को फ्लोर पर शेक करवा देते हैं. बस शॉर्ट में आप यूं समझ लीजिए कि हमारे दिल को गार्डन गार्डन जो कर देते हैं. ऐसे साहब और जनाब, सारे दर्शक तो हमारे समझदार है ही, सब्सक्राइबर्स तो ये ऑलरेडी इस वक्त समझ चुके होंगे कि हम फ्लोर पर और स्टूडियो में किसे बुलाने जा रहे हैं. तो और वो साहब मतलब डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक्टर और लिरिसिस्ट मयूर पुरी जी, जो कि आज हम फॉर्चुनेट है कि हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है और हमसे स्ट्रेट अवे जुड़ रहे हैं. तो मयूर जी, अफसाना लिख रहा हूं इस अल्फाजों और अशारों के खूबसूरत कार्यक्रम में, मैं आपका तहे दिल से हमारे सब्सक्राइबर की ओर से, सुर और ताल की ओर से, और मैं संतोष शर्मा मेरी ओर से आपका स्वागत करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बड़ा मजा आया मेरे को आपके साथ. आकेश आते ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है. I'm sure we'll have a good time. और इससे पहले कि मयूर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आज वक्त निकाल के हमारे साथ अफसाना लिख रहा हूं मैं ज्वाइन करने के लिए, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं फिरदौस के लिए. 16 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, बहुत बहुत बधाई. बहुत बहुत शुक्रिया. ये तो जब हम कुछ बना रहे होते हैं तो हमको सिर्फ उम्मीद होती है कि इसका रिकग्निशन कुछ होगा. और मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कमर्शियल टाइप का राइटर रहा हूँ, और बहुत ही मासी उस तरह की फिल्मों में मैंने लिखा है, और बहुत ही मासी गाने लिखे और वो सब. तो मैं बॉलीवुड से और जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो एक अवार्ड इंडस्ट्री है अपने आप में, उससे तो मैं कुछ उम्मीद रखता नहीं हूँ. इसलिए मुझे इन बॉलीवुड के अवार्ड्स की कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है. लेकिन जब मैंने फिरदौस बनाई तो यही सोच के बनाई थी कि अच्छी शॉर्ट फिल्म हो, एक ऐसी फिल्म हो जो लोग देखे और उनको टच करे, और मेरे कमर्शियल काम से बिल्कुल अलग तरह का काम है. तो बहुत डर डर के, बहुत बहुत चिंतन के साथ में ये फिल्म बनाई, और फिर इसे ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोगों ने अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा, और 36 या 37 फिल्म फेस्टिवल्स में ऑफिशियल सिलेक्शन फिरदौस रह चुका है इन 2018-19, और उसके अलावा 17 अवार्ड्स हमको अब तक मिल चुके हैं. जैसा कि आपने बताया लॉस एंजलिस फिल्म अवार्ड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं हमको लाफा पड़ गया, तो तो हमको लाफा भी मिला बेस्ट फैंटेसी फिल्म के लिए. एक्चुअली वो अवार्ड यहीं पे है, यहाँ ऑन टॉप ऑफ द, इफ यू कैन सी, वेरी नाइस, यस वी कैन सी योर गैलरी, दैट इज लाफा, ये है लाफा. सो यस, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि एक अच्छे सुज्ञ प्रेक्षक, जिसको बोलते हैं समझदार दर्शक जो होते हैं, उन लोगों ने, फेस्टिवल्स का ऑडियंस जो होता है, उन्होंने इसको देखा और सराहा. 17 मिनट की छोटी सी फिल्म है, एक छोटी सी कोशिश है एक अच्छी कहानी कहने की. सो अब ये क्योंकि इतने अवार्ड्स मिले तो मैं एनकरेज हुआ हूं, तो आई थिंक इस दिशा में मैं और भी काम करूंगा. जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से, अभी ये शॉर्ट फिल्म थी और आप लंबी फिल्में भी लाए, कमर्शियल फिल्में भी लाए, और डायरेक्टर तो आपकी पहली चॉइस थी हमें लगता है, तो इसी तरह आपको पॉजिटिव लाफा मिलता रहे, और एक भी हमारी जो है दुआ है आप सारे सारे लोगों की ओर से, हमारे अमेरिकन जो आपके फैंस है यहाँ पर, जो आज सारे हमसे जुड़ रहे हैं,
सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मयूर जी देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है अफसाना लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़े में बताया था कि ये प्रोग्राम एक्चुअली लिरिसिस्ट्स के लिए एक ट्रिब्यूट है और उनकी काम, उनके काम को, उनकी राइटिंग को, उनके अशारों को जो है ये हमारी ओर से एक तरह से एक थैंक्स है। हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं थ्रू यू नो सम रिसर्च वर्क जो हमने किया है कि गाने कैसे लिखे गए, कैसे उनकी शुरुआत हुई। तो शैलेंद्र साहब से हमने शुरू किया, फिर शकील बदायूनी साहब, और छोटे छोटे किस्से जो गानों के पीछे जो मशहूर किस्से थे, जैसे मुगले आजम का किस्सा कि आसिफ साहब ने वो सेट उस वक्त पाकिस्तान जा नहीं सकते थे तो सेट यहाँ बनवाया, इस तरह के की कुछ मजेदार बातें जो लिरिसिस्ट के दिमाग से उतरी कागज पर लेकिन वो किसी रीजन से जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो हम चाह रहे कि आपकी जो जर्नी है उसके कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, जो अनसुनी बातें हैं, वो हमें आज आपके जरिए डायरेक्टली सुनने मिले। जरूर, बिल्कुल, हर गीत के पीछे एक कहानी जरूर होती है, वो गीत कैसे बना उसकी एक कहानी होती है। और मैंने 100-125 के करीब गाने लिखे हैं जिसमें से 100 तो हिट हैं, तो है कहानियां, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हर एक गाने की। जितने कवर कर सकेंगे आज, अब 5-6-8-10 कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी एक विंडो देने की कोशिश करूंगा आपको इस म्यूजिक क्रिएशन का, जो हमारा बिजनेस है या परस्यूट है, मैं बिजनेस भी नहीं मानता इसको, इट्स अ परस्यूट। इस परस्यूट में म्यूजिक डायरेक्टर्स का माइंड कैसे वर्क करता है, आर्टिस्ट का माइंड कैसे वर्क करता है, लिरिसिस्ट का कैसे वर्क करता है, सिंगर का, मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी उसकी झलकियां देने की। जी, तो बहुत बढ़िया बात आपने टच करी मयूर जी, कि उस परस्यूट की बात आप कर रहे थे, तो हमारे दर्शकों के लिए भी आई थिंक ये जानकारी काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे लिरिसिस्ट को एक म्यूजिक डायरेक्टर से ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट मिलती है, किरदारों के बारे में जानकारी मिलती है, वो एक सिटिंग होती है, और फिर म्यूजिक डायरेक्टर से जैसे लिरिसिस्ट को एक धुन मिलती है। तो आज मैं चाहूंगा कि आज हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दर्शकों के साथ आप ये इनको बताएं कि गीत एक्चुअली कैसे लिखे जाते हैं, लिरिसिस्ट तक वो कैसे आते हैं, और फिर आप वहां से क्या प्रोसेस है इसकी पूरी। डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे अगर आप पूछे कि कोई लिरिसिस्ट कैसे बनता है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बताना, क्योंकि मैं तो एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट हूँ। मतलब मेरा लिरिसिस्ट होना एक हादसा है, इट इज एब्सोल्युटली एन एक्सीडेंट। आई नेवर वांटेड टू बी अ लिरिसिस्ट, मैं तो बनना नहीं चाहता था। मैं डायरेक्टर बनने के लिए इंडस्ट्री में आया था, मगर मुझे लगा अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता, और मैंने 5-6 साल अहमदाबाद में काम किया था, काफी टेलीविजन सीरियल्स बनाए थे, एड फिल्म्स बनाई थी, आई वॉज अ डायरेक्टर। और वहां पे मैं बात कर रहा हूँ 90s के अहमदाबाद की, छोटा शहर इंडिया का, उस वक्त छोटा हुआ करता था, अब काफी बड़ा हो गया, मगर 90s अहमदाबाद, उस वक्त हमारे पास में इतनी चॉइस नहीं थी। जो क्रिएटिव फील्ड में लोग काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। यानी जो भी क्लाइंट आ गया, उसने जो भी काम बोल दिया कि भाई मैं एल्बम बना रहा हूँ, गाने लिखेगा, हाँ भाई लिख दूंगा, भाई मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ उसके डायलॉग लिखे, हाँ लिख दूंगा, मैं दूरदर्शन के लिए सीरियल बना रहा हूँ, हाँ लिख दूंगा। हम ना नहीं बोल सकते जो भी काम मिल रहा है, क्योंकि साल में मुश्किल से 5 या 6 प्रोजेक्ट बनते थे, तो उसमें कैसे भी करके घुस जाओ। तो मुझे लगा कि यू नो, इफ आई ट्राई एज एन एक्टर और इफ आई ट्राई स्ट्रेट अवे एज अ डायरेक्टर, थोड़ा मुश्किल होगा, एज अ टेक्नीशियन इट्स इजी। सो आई started compiling music for plays. तो मैं नाटकों के लिए म्यूजिक करता था जी, मतलब कंपाइल करता था म्यूजिक, और फिर बाद में, और मैं आई वॉज अ वेरी गुड म्यूजिक ऑपरेटर। और मैं जो हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि के शोज होते हैं, उसमें मैं मटका बजाया करता था, घटम होता है ना जो, हाँ, तो घटम में उंगलियों में रिंग्स डाल के, और वो, और मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मेहनत होती है, 9 दिन हम लोग जब बजाते थे, 9वें दिन तो सूज जाती थी उंगलियां, मतलब वो अंगूठी बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि पूरी पूरी रात आप 4 बजे तक बजा रहे हो वो मटका, और 150 रुपया एक नाइट का मिलता था शायद उस जमाने में, और हम बड़े खुश, 150 रुपये एक नाइट, मतलब कि 9 दिन नवरात्रि के और 1 दिन शरद पूर्णिमा का, यानी 1,500 रुपये का काम हो गया आपका। उसमें तो आपका किटली का और चाय वाले का, इसका पूरा कॉलेज का 6 महीने का खर्चा निकल जाएगा 1,500 रुपये। हाँ जी,
तो मैं वो बजाया, तो एक सेंस ऑफ रिदम ऑलरेडी था, म्यूजिक से प्यार बचपन से है, घर में सुनते आए हैं लोग ये वो, माय डैड इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, माय मॉम इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, दे आर वेरी फिल्मी फैमिली जो है, चाचा मेरे ड्रमर थे एक बैंड के अंदर एक जमाने में, मतलब बैंड मतलब ऐसा बहुत फैंसी और वैसा नहीं, वो ऑर्केस्ट्रा टाइप बैंड नहीं होते छोटे शहरों में जो शादियों में बजाते, तो वैसे मेरे चाचा वो उसमें ड्रमर थे बकायदा। तो घर में मेरे चाचा के वहां पे हमेशा कॉन्गो बोंगो पड़ा रहता था, तो मैं पीटता रहता था। अब वो तो सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, रिदम तो क्या है, आपके पास में टेबल है आपने बजा लिया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बचपन से टेबलें पीटने का शौक था, बाल्टियां पीटने का शौक था, तो बाल्टियां टेबल पीट पीट के कॉन्गो पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद घटम पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घटम का इट्स नॉट जस्ट अ परकशन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन एटमॉस्फेयर इंस्ट्रूमेंट, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, तो मैं वो बजाया करता था। तो म्यूजिक से लेगा, उसकी वजह से लोगों को लगा अच्छा इसको म्यूजिक का शो वो तो करता है, तो इसको नाटक का भी म्यूजिक दे सकते हैं। तो मैं उसमें म्यूजिक कंपाइल करने लग गया, फिर बजाने लग गया। फिर वो करते करते डायरेक्शन का सेंस था, तो डायरेक्शन की सेंस थी थोड़ी बहुत, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता था, मतलब मिमिक्री वगैरह कर लेता था। अगर कोई बोले कि भाई ये एक्टर नहीं है तो स्टैंड इन में खड़ा होकर फटाक से उसका सीन भी कर दिया, कभी बजा लिया, कभी लाइट कर दी, कभी बैकग्राउंड बैकस्टेज कर दिया। तो जिस नाटक में जो काम मिल जाए, सब जिसको हम लोग गुजरात में बोलते हैं सब बंदर का व्यापारी, सारा काम करता था, कोई काम को ना नहीं बोलता था। तो बहुत फास्ट राइज किया मैंने, मतलब मिड 90s से लेके टिल 94-95 में मैंने काम करना शुरू किया, और बाय 99 आई वाज द टॉप डायरेक्टर इन अहमदाबाद ऑलरेडी। मैं बड़े बड़े एड फिल्म्स कर रहा था, मैं डेली सोप डायरेक्ट कर रहा था, जो अहमदाबाद दूरदर्शन का सबसे बड़ा डेली सोप है, 56 आर्टिस्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ लोकेशंस, दैट शो आई वाज डायरेक्टिंग। तो ये सब करके फिर जब बॉम्बे आया तो मैं लिरिसिस्ट नहीं बनना चाहता था, मैं राइटर नहीं, मेरे को डायरेक्शन ही करना था। मगर क्या होता है, आपका टैलेंट ना वो छुपके नहीं रहता है, टैलेंट जो है वो बख्शी साहब ने लिखा ना कि इश्क ते मुश्क कदी ना छुपते, वैसा टैलेंट का भी वैसा ही है, छुपता नहीं है वो। तो लोगों को पता चल गया कि ये इसको आता है लिखना। तो मेरी पहली फिल्म जो थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तेरे लिए, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जीत गांगुली और प्रीतम चक्रवर्ती, जो बाद में अलग हो गए, जीत और प्रीतम जो अलग हो के जीत गांगुली और प्रीतम के नाम से अलग अलग म्यूजिक देते हैं, वो तब साथ में काम किया करते थे। तो मैं उनके साथ म्यूजिक सेटिंग में बहुत बैठा करता था। और क्या होता है, म्यूजिक डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ जब ट्यून बनाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई सिचुएशन नहीं होती, कुछ नहीं होती बिगिनिंग में, तो वो लोग ऐसे ही कुछ भी ट्यून बनाते हैं और उनके पास वर्ड्स भी नहीं होते, तो वो प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को जब पिच करते हैं तो म्यूजिक तो अपने अपने गाने की धुन सुनाते हैं। और हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक स्टाइल होता है, जैसे प्रीतम है वो ना 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 करके सुनाएगा, या अगर जतिन ललित है तो वो ला ला ले ला ले ला ले ला ले ला वो ऐसे करके सुनाएंगे, यू नो। तो सबका अपना होता है। लक्ष्मीकांत करलाल कभी नंबर से सुनाते थे, यू नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो नंबर्स को लेके जावे से अपने गाना बना दिया। सो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है गाना सुनाने का। लेकिन ये जो नाना नाना होता है या लाले लाले होता है, इससे कई बार प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को और लोगों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, गाना इतना पहुंचता नहीं है उनको, चिपकता नहीं है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना डमी लिरिक्स लिख देते हैं, मतलब वो फाइनल लिरिक्स नहीं है मगर एक काम चलाओ लिरिक्स, ठीक है। तो एक काम चलाओ लिरिक्स हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक गाना है साड़ी के फॉल्सा, ठीक है। तो साड़ी के फॉल्सा का जो काम चलाओ लिरिक्स था वो ऐसा था कि मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो क्या होता है, आप लोग कुछ भी लेके हम लोग ऐसे बात, तो वो तो समझ में आ जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, अच्छा इस टाइप का गाना बन, इस टाइप के वर्ड्स होंगे, ये होगा, तो फिर वो गाना अप्रूव हो जाता है। अब ये जो डमी लिखने वाला चक्कर है, इसका कोई क्रेडिट नहीं होता, इसका कोई पैसा नहीं होता इसका, बिकॉज इट्स नॉट यूज्ड, बाद में कोई फाइनली आके वो गाना। तो जीत प्रीतम को मैं एज अ फ्रेंड टू हेल्प देम, मैं उनको कई गानों का उनका डमी लिख दिया करता था। तो उनको पता था कि मेरे डमी भी कई बार बहुत अच्छे होते थे, तो प्रीतम को बड़ा इस बात से लगाव था कि तू बहुत अच्छा लिखता है तो तू सीरियसली क्यों नहीं लिखता। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं कोई अच्छा, मुझे ये था कि मैं बचपन से पोएट्री तो करता हूँ, मैं पोएट्री आई यूज टू राइट पोएम्स फ्रॉम 6th or 7th standard, बहुत बचपन से मैं पोएट्री करता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं पिक्चर के गाने थोड़ी लिखूंगा, मैं बहुत बड़ा शायर बनूंगा, मैं अपना दीवान पब्लिश करूंगा, मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा, इंडस्ट्री से रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी पोएट्री पब्लिश करूंगा। इसलिए मैंने आज तक अपनी पोएम्स पब्लिश नहीं किए, मैंने गाने बहुत 150 गाने बने, बट आई हैव नॉट पब्लिश माय पोएम्स, बिकॉज मुझे बहुत आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ माय पोएम्स। तो
एनीवे तो प्रीतम को पता था पोएट्री करता है और ये सब करता है, तो ऐसे करके काम साथ में कर, मतलब ऐसे हेल्प के तौर पे करने लग गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और फिर 2004 के बाद में प्रीतम ने कहा कि नहीं यार देख, अगर दोस्ती कायम रखनी है इस इंडस्ट्री में तो साथ में काम करना जरूरी है। तो दोस्ती कायम रखने के लिए काम, बिकॉज अगर हम काम साथ में नहीं करेंगे तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, और मिल नहीं पाएंगे तो दोस्ती कैसे बनी रहेगी। इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू बींग माई फ्रेंड प्लीज राइट सॉन्ग्स। सो आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स। बहुत बढ़िया। आपने जीत साहब की बात करी, आपने प्रीतम साहब का भी जिक्र किया, आपके शुरुआती दौर में इनका काफी सपोर्ट आपको और एक पार्टनरशिप रही है, तो हमें ये बताइए कि क्या ये बात हमने जो सुनी वो सच है कि सोनू निगम साहब और प्रीतम साहब एक बार स्टूडियो में बैठ चुके थे, आपने अभी डमी लिरिक्स की भी बात की, और इनके पास ऐसा कुछ डमी सा मुखड़ा था कि हल्का हल्का सा नशा और लिरिक्स इनके पास बिल्कुल नहीं थे, ना ही आपके पास थे, और आप स्टूडियो की ओर जाते जाते आपने वो लिरिक्स डेवलप किए, फिल्म चॉकलेट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, प्रीतम कई बार मुझे कहता था कि तू जो डमी देता है लिरिक्स, कई बार मुखड़ा उसका फाइनल हो जाता है, तो तू अंतर क्यों नहीं लिख देता, तो गाना खत्म हो जाएगा ना। तो मैं उस वक्त मैं अवॉइड करता था। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम 2004 एंड में जब धूम फिल्म खत्म हो गई, धूम में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तो मैंने यशराज की नौकरी छोड़ दी कि अब मैं इंडिपेंडेंट राइटर डायरेक्टर के तौर पे काम करना चाहता हूँ। लिरिक्स तो मैंने सोचा भी नहीं था, एज ए इंडिपेंडेंट काम करूंगा तो नौकरी नहीं करूंगा। हाँ जी। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, अब नौकरी छोड़ दी, काम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम, घर कैसे चलाया जाए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट उस वक्त, तो इतना स्ट्रेस था उस वक्त कि भाई घर में एक नया बच्चा आने वाला है और मेरे पास नौकरी नहीं है। और ऐसे में प्रीतम ने मुझे बोला कि यार तू क्यों मेरे लिए गाने नहीं लिखता है। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको कहा कि कितना पैसा मिलता है लिरिसिस्ट को, तो उस जमाने में प्रीतम ने बोला 15,000 रुपए मिल जाएगा। 15,000 रुपए मेरे पूरे महीने की सैलरी होती थी। मैंने कहा अरे ये तो एक ही गाना लिखने में मिल जाएंगे उतने पैसे, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा कि मैं लिख दूंगा, तो मैंने बोला जब नेक्स्ट टाइम जरूरत हो तो तू बोल देना। मैं एक्चुअली कहीं ड्राइव पे जा रहा था, तो प्रीतम ने मुझे बोला कि एक काम कर, मेरी एक कैसेट मैं तेरे को देता हूँ। उस जमाने में मेरी गाड़ी के अंदर कैसेट चलती थी, सीडी वीडी भी नहीं आई थी, 2004-2005 की बात। सो प्रीतम ने बोला ये सीडी ले, ये कैसेट ले जा, इसमें कुछ 30-40 गाने हैं मेरे मुखड़े जो मैंने ऐसे नाना नाना करके बनाए हैं, तो एक काम कर मुझे 30-40 मुखड़े लिख के दे दे, तेरे को जो सुझे 5 लिख दे, 10 लिख दे, जो भी लिख दे, मैं यहाँ पे पिच करूंगा वाइल यू आर नॉट हियर, मैं पिच करता रहूंगा और अगर उसमें से कोई गाना सिलेक्ट हो गया तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ड्राइव करते करते जा रहा था, उस कैसेट में जो 30-40 गाने थे उसमें क्या क्या गाने थे, उसमें उसमें मतलब बड़े मेरे अच्छे बड़े बड़े गाने उस कैसेट में थे जो मुझे उस वक्त पता नहीं था। उस वक्त मुझे लगा है प्रीतम ने कुछ नाना नाना करके दिया है, ठीक है। तो हल्का हल्का भी उन्हीं में से एक था, तो हल्का हल्का मैंने प्रीतम को डमी जो था वो लिख के थे, डमी ही था ये कि हल्का हल्का सा है नशा, बहका बहका सा समा आ जाना, क्योंकि आप देखिए कोई सिचुएशन नहीं है, मैं बिना कोई फिल्म नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे एक तरीके से शब्दों का जमावड़ा है, ठीक है ना, कोई इट्स जस्ट अ फीलिंग, देयर इज नथिंग एक्चुअली, देयर इज नो स्टोरी टेलिंग इन दैट सॉन्ग, दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग। और जबकि मैं समझता हूँ फिल्मी गानों में स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, लेकिन मेरा पहला गाना कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है। सो इट्स सिंपल, हल्का हल्का सा नशा, बहका बहका समा आ जाना जाने जा, आ जाना ये समा, जाए ना जाए ना। आप एक दो बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाना नहीं है, नॉनसेंस है। It's just some words placed together. It is not too much of a storytelling or बहुत crafty नहीं है. I'm not very like super this thing. मगर कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि इसमें meaning नहीं है, लेकिन audience meaning ढूंढ लेता है और उसे बहुत touch करता है। और बहुत बहुत आपको भी कई बार पता नहीं होता कि आपका craft और आपका talent क्या है। जैसा कि मैंने कहा ना, आपका talent एक accident हो सकता है कई बार। तो मैंने वो लिखा था मुखड़ा, मैं तो भूल गया उस बारे में। फिर एक दिन प्रीतम का फोन आया, तब तक मैं बॉम्बे आ चुका था वापस, तो प्रीतम का फोन आया, बोला अभी स्टूडियो आ जाओ, अभी के अभी स्पेक्ट्रल हार्मनी आ जाओ। मैंने कहा क्यों, आग लगी है क्या स्टूडियो में? बोला नहीं नहीं, वो क्या हुआ, एक पिक्चर का म्यूजिक मैं कर रहा हूँ और उसका वो जो मुखड़ा जो तेरा था, वो मुखड़ा मैंने डायरेक्टर को सुनाया, उसको बहुत अच्छा लगा, वर्ड भी बहुत अच्छा लगा, और सोनू निगम आ गए हैं स्टूडियो में और मुखड़ा गा रहा है अभी। तो वो तो सोनू तो बहुत फास्ट गाता है, सोनू भाई बहुत अच्छे सिंगर है ना। हाँ तो बोला सोनू तो गा देगा अभी 15 मिनट में मुखड़ा, हो जाएंगे 10-15 जितने टेक चाहिए उतने, उसके बाद अंतरा लगेगा भाई, अंतरा नहीं है।
तो मैं बिठा के रखता हूँ सोनू निगम को, तू फटाक से आके अंतराल लिख। मैंने कहा मर गए, मैं भागा स्टूडियो गया। विवेक अग्निहोत्री जी डायरेक्टर थे उस फिल्म के। जी, मैंने कहा सिचुएशन बता दीजिए कि क्या लिखना है। तो उन्होंने सिचुएशन भी, उन्होंने मतलब बोला सिचुएशन से जो कुछ नहीं है, जो लंदन में है ये लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, और ऐसे कुछ फिलोसॉफिकल कुछ लिख दे तू, क्योंकि ऐसे ठीक है। तो मुझे ना बहुत फ्रीडम मिल गई लिखने के लिए, क्योंकि कोई सिचुएशन जो मेरा बचपन से मैंने ये सोचता था कि सिचुएशन की वजह से ही गाने कमाल होते हैं, और अभी भी मेरे को लगता है सिचुएशन ही कमाल होती है। लेकिन मेरा पहला गाना अनफॉर्चुनेटली आयरॉनिकली जो भी आप कहें, मुझे सिचुएशन बड़ी फ्लूइड, बहुत ही लूज सिचुएशन थी। पांच लोग हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड में है, लंदन में चल रहे हैं, बड़े खूबसूरत से शॉट हो गए और बस ये। तो बोलो एक्चुअली विवेक सर के मुझे वो ही अच्छा लगता है, द एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द सॉन्ग, कि हल्का हल्का सा है नशा, बहका बहका सा है समा, ये किसी पे भी लागू हो सकता है और किसी पे भी नहीं हो सकता, इट्स लाइक दैट। सो इट्स वेरी जेनेरिक सॉन्ग, सो यू राइट। तो अगर आप उस गाने के अंतर देखेंगे तो देखिए कोई सिचुएशन नहीं, इट्स अ जनरल फिलोसॉफिकल थिंग। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है, काहिशे आवारा बन के टूट जाए तारा बन के होता है। तो कोई कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, मगर ये किसी के भी दिल की बात हो सकती है। इट्स सो जेनेरिक बट इट्स नाइस। एंड समवेयर प्रीतम felt that in my lyrics, in my early lyrics especially, जिसको बोलते ना differentiating factor, थोड़ा एक freshness और थोड़ा एक style अलग था बाकी लोग जो उस वक्त बाकी लोग लिख रहे थे उसे। तो बहुत सहजता थी words की, और my understanding of music is good, तो वो words बिल्कुल marry कर लेते हैं tune को, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये words जो है इस tune पे नहीं है। तो वो प्रीतम को बहुत अच्छा लगता था कि नहीं तू लिखता है ना, तो मेरे को एक एक वर्ड ऐसा परफेक्ट बैठता है जैसा मेरे मन में melody चल रही है वैसी, you know? So I'm very happy, वो गाना लिया। और क्योंकि मैंने वही 15 मिनट में बैठ के गाना लिखा, तो डायरेक्टर वाज आल्सो वेरी इंप्रेस्ड, एवरीबॉडी वाज इंप्रेस्ड। तो फिर उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला कि अभी मेरी पिक्चर में दो और गाने हैं, वो दो गाने भी आप ही लिखेंगे। तो वो मम्मी को नहीं है पता हुआ, और खलिश खलिश गाने से, खलिश गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत मिली उससे, काफी लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग काम। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ चॉकलेट। हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा, आ जाना हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा, आ जाना आ जाना जाने जा, आ जाना ये समा, जाए ना जाए। देखिए चॉकलेट, आप भले थोड़े क्रिटिकल है पहले गाने को लेकर, लेकिन नहीं नहीं क्रिटिकल नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इट्स आई लव दैट सॉन्ग, मतलब मेरा पहला गाना और पहला गाना हिट हो जाए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मेरी महानता कम है उस गाने के बड़े होने में और खूबसूरत और प्यारा होने में। वो विवेक अग्निहोत्री का विजन जो है कि नहीं एब्स्ट्रैक्ट ही लिरिक्स होने चाहिए, या प्रीतम का फेथ मेरे पे रखना, ये सारी बातें, और सोनू भाई ने जिस तरीके से उसको गाया भी बहुत एक एटमॉस्फेयर वाली बात थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार मैंने बोला ना मैं एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट हूँ, तो हादसा अच्छा हो गया मेरे साथ में, ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता उसका। देखिए अगर इक्का दुक्की बार हो जाए तो कह सकते हैं कि एक्सीडेंट है, लेकिन अगर वो बारी बारी हो रहा है और 2003 से लेकर 2017-18 चले जा रहा है, तो उसको आपके जो हम फैंस हैं यहाँ पे अमेरिका में, हम तो एक्सीडेंट नहीं मानते हैं। तो ये मुझे बताइए, एक्सीडेंट को ही मैं पकड़ के आगे चलना चाहूंगा। 2008 में तेरी ओर हाय रब्बा, मतलब चार्ट बस्टर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, एक ऐसी सीडी नहीं थी, एक ऐसा गाना नहीं था, एक ऐसा हिंदी म्यूजिक लवर नहीं था जिसने ये गाना सुना ना। तो वो गाना हमने सुना है कि आपने जो है आपकी कलम से कागज पर वो 15 मिनट में कुछ ऐसे उतर गया। हाँ, ये एक्चुअली तेरी और सिंगिस किंग उस पूरे एल्बम की जो 5 गाने हैं उसकी कहानी बहुत, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अनीस बस्मी सर जो थे, जो उस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो मुझे एक और फिल्म को लिखने के लिए, क्योंकि ओम शांति ओम मैं लिख चुका था 2006 के एंड में, 2007 में रिलीज हुई थी ओम शांति ओम। लेकिन तो उस वक्त संजय कपूर जी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, बोनी कपूर के भाई जो है संजय कपूर, जो एक्टर भी रह चुके, तो वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे जिसको डायरेक्ट कर रहे थे अनीस बस्मी। ठीक है, अब ये उस पिक्चर की कहानी है जो पिक्चर बनी है मगर आज तक रिलीज नहीं हुई,
ओके तो खैर एनीवे तो संजय कपूर ने बोला यार मुझे अच्छा राइटर चाहिए, तो फरहान ने बोला मेरा राइटर बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म लिख रहा है तो तुम उसको ले लो। तो संजय कपूर ने मुझे बोला, फिर मेरी और संजय कपूर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग खूब मिलने लगे, गॉसिप करने लगे, ये सब हो गया। फिर उन्होंने बोला अनीस भाई मेरी फिल्म के डायरेक्टर हैं तो उनके साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर दे, तो मैंने उनके साथ मिलना शुरू किया कि आपको कैसी कहानी चाहिए, तो मतलब साउथ की कहानी है उसको अडेप्ट करेंगे राइट्स लेके। तो हमने उस पे काम शुरू कर दिया, बोनी जी से मिला, अनीस भाई से बार बार मिलते हुए बड़ी दोस्ती हो गई, बिकॉज अनीस भाई का बड़ा प्यार है, जो लोग गाना लिख सकते हैं उनके लिए अनीस भाई को बहुत मोहब्बत है, क्योंकि उनका वो बोलते हैं मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं लिरिक्स नहीं कर सकता, तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तुम लोग कर सकते हो। तो अनीस भाई के साथ में बड़ा प्यार मोहब्बत हो गया, लेकिन क्या हुआ वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो रहा था, और ये मतलब उस पर थोड़ा टाइम भी लग रहा था और थोड़ा प्रेशर बहुत था मेरे पास बाकी काम करने के लिए भी, क्योंकि ओम शांति ओम के रिलीज होते ही मेरे पास प्रोजेक्ट की बाढ़ आ गई थी और मैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद वर्क। तो मैंने उनसे कहा अनीस भाई से किया, अनीस भाई इस प्रोजेक्ट से आप मुझे प्लीज अगर माफी दे दें तो मैं छोड़ना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट, मैं खत्म नहीं करना चाहता, आप किसी और के साथ कर लीजिए, आप मैं रियली आपका एहसान रहेगा मुझ पे। तो अनीस भाई ने बोला हाँ ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मयूर भाई ये एहसान रहेगा और इसके बदले में मैं आपको जो प्रोजेक्ट बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, आप ना नहीं बोलोगे, अगली बार मैं आपको फोन करूंगा आप ना नहीं बोलोगे, ये एहसान है। मैंने कहा बिल्कुल ना नहीं बोलूंगा, आपका एहसान है, मैं कभी भी चुका दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा ऐसी बातें हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, आई गई हो जाएगी बात, और क्या शायद साल दो साल पांच साल में अनीस भाई भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, भूलने की बात तो दूर रही। आठवें दिन उनका फोन आया, आठवें दिन मतलब ये पिक्चर मैंने छोड़ी, उन्होंने कहा ये एहसान है मैं वापस मांगूंगा तुमसे, और आठ दिन बाद फोन करके बोला मयूर भाई एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, आप जो भी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ खंडाला चल रहे हो। मैंने कहा खंडाला क्या करेंगे, बोला आप और प्रीतम और मैं और हम लोग जाएंगे और वहां पे मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है, उसमें अक्षय कुमार हीरो है, ये है वो है, अच्छी बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ मैं, और उसमें पांच गाने हैं और पांचों गाने आपको लिखने हैं और प्रीतम ही उसका म्यूजिक करेगा और आप मेरे साथ चल रहे हो अपन लोग खंडाला जाके। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से निकले खंडाला जाने के लिए, गाड़ी में बैठे तो मैंने अनीस भाई को बोला कि अनीस भाई कुछ ब्रीफ कुछ बता दीजिए क्या फिल्म है। अरे छोड़िए मयूर भाई क्या है बात कर, अभी से गाड़ी में बैठते ही काम, खंडाला जाके बात करेंगे। खंडाला पहुंच गए, ये होटल ठीक नहीं है, दूसरे होटल में जाएंगे, दूसरे होटल में गए, वहां पे चेक इन किया। मैंने कहा अनीस भाई अरे खाना खाने के टाइम पे, अभी क्या खाने की बात, छोड़ो छोड़ो पहले खाना खाते हैं फिर गाने की बात करें। फिर खाना भी हो गया, फिर दूसरे होटल में चले गए, वहां पे आराम भी कर लिया, थक गए ट्रैफिक पे चल के गाड़ी चला के आए, ये वो, अच्छा ऐसा करते शाम को बात करते, ठीक है शाम का टाइम, अरे मयूर भाई चाय पी लेते अभी क्या गाने की, चाय भी पी ली। हम लोग सुबह के निकले हुए, सुबह 7-8-6 बजे के निकले हुए शायद, और रात हो गई, और मैंने कहा अनीस भाई प्लीज यार कुछ तो सिचुएशन बता दो, क्या क्या बनाना है, गाने क्या है, फिल्म की कहानी क्या है। तो अनीस भाई खड़े होके मेरे को और प्रीतम बोलते देखो सिचुएशन गा रहा है ये सब छोड़ो, मुझे 5 सुपरहिट गाने चाहिए, हम लोग 5 दिन यहाँ पे हैं, 5 दिन में 5 सुपरहिट गाने बनाने, अच्छा ओके। और अनीस भाई चले गए ये बोल के, अब मैं और प्रीतम हम मुंह देख रहे एक दूसरे का, 5 दिन में 5 सुपरहिट गाने कहाँ से बना के थे। तो हमने पहले दिन जब काम शुरू किया तो फिर अनीस भाई ने पता ही उसकी सिचुएशन थोड़ी बहुत हमको कि ऐसे ऐसे शादी का गाना बना रहा, तो हमने भूतनी के बनाया, एक ही दिन में बनाया वो गाना। दूसरे दिन हम लोगों ने जी करदा बनाया, तीसरे दिन हमने तेरी ओर बनाया, चौथे दिन हम लोगों ने टली हुआ बनाया, और पांचवें दिन हम लोगों ने सिंगिस किंग बनाया। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा एल्बम है, 5 गाने 5 दिन में बनाया। और तेरी ओर जब तीसरे दिन बना तो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड अबाउट इट, बट जब हम लोग बॉम्बे आ गए वो गाना रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया, उसके बाद में थोड़ा डाउट हो गया अनीस भाई को। अनीस भाई ने बोला कि मयूर भाई काफी थोड़ी वो फिल्म शूट भी कर चुके थे, वहां का शेड्यूल करके जब वापस आ गए अपना ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल, गोल्ड कोस्ट वाला जो शेड्यूल था वो शूट करके आ चुके थे, तो आके उन्होंने बोला मयूर भाई अब जब मैं अपनी फिल्म देख रहा हूँ जो बन रही है हमारी, तो बहुत बड़ा स्केल हो गया पिक्चर का और पिक्चर बहुत कमाल लग रही है, और एक्शन है, क्राइम है, कॉमेडी है, ये सब इतनी फास्ट पेस्ड पिक्चर के अंदर सडनली ये थोड़ा स्लो गाना लग रहा है मुझे, आपको नहीं लगता कि ये गाना पेस मार देगा पिक्चर की, तो मुझे लगता है कि अपने को दूसरा कोई गाना बनाना चाहिए। तो प्रीतम, तो मैंने बोला प्रीतम क्या करना है, प्रीतम बोलता है आप भाई नहीं पसंद आ रहा है तेरी ओर तो क्या करें, मतलब यहाँ तक कि अनीस भाई ने, मैंने अनीस भाई को बोला, मैंने कहा अनीस भाई बहुत अच्छा गाना है तेरी ओर आप ले लीजिए, मेरे ख्याल से तो अगर आप मेरी माने तो बहुत अच्छा गाना है, आप उसे रिजेक्ट मत कीजिए। तो अनीस भाई ने मुझे बोला अरे मयूर भाई आई एम सॉरी, बट आप देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस स्केल की किस बड़ी पिक्चर अपनी बन रही है, क्या पेसिंग है पिक्चर, क्या कमाल है, कॉमेडी एक्शन ड्रामा ये सब, भजन लग रहा है तेरी ओर, ऐसा भजन लग रहा है, भजन नहीं बीच में डाल सकता, बहुत स्लो है, बहुत ये है तेरी ओर तेरी हो जाए, तो अपन को ना ऐसा चाहिए रोमांटिक गाना, लेकिन ऐसा थोड़ा जैसा
बड़ा टाइप का गाना था जिसमें थोड़ा ऑर्केस्ट्रेशन हो, ये हो वो, ऐसा खाली खाली टाइप गाना नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप है डायरेक्टर, आपको बेहतर पता होगा आपकी फिल्म के बारे में, और अनिस भाई हैं बहुत होशियार, बहुत स्मार्ट। तो हम लोग और प्रीतम ने बोला दूसरा गाना, प्रीतम को भी, मैंने प्रीतम को बोला, हम लोग भी थोड़ा आर्टिस्ट लोग है ना, ईगो पे ले लेते हैं, हमने कहा चलो दूसरा गाना बनाते क्या हो गया। हम लोगों ने दूसरा गाना बनाया और दूसरा गाना भी बहुत कमाल, बहुत भारी, जो बाद में आई थिंक किसी और फिल्म में गया। एनीवे, तो हमने दूसरा गाना बनाया जो जैसा उन्होंने, जैसी ब्रीफ या जैसा उनको लग रहा था कि पिक्चर के हिसाब से, एकदम खतरनाक म्यूजिक और भरा हुआ गाना जिसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन के साथ में, ऑल ऑफ दैट। और वो गाना भी हमने रिकॉर्ड किया, आई थिंक मोहित चौहान ने या किसी ने उस वक्त भी गाया था, बहुत अच्छा गाना। वो गाना भी रिकॉर्ड करने के बाद में फिर हमने दोनों गाने वापस से सुने, सब लोगों ने डिसाइड कर लिया नहीं, जो दूसरा वाला जो बनाया वो बेटर है, तेरी ओर को भूल जाते, ये वाला गाना ले लेते। और हाँ हाँ, प्लानिंग हो गई भाई, इजिप्ट में जाएंगे, शूटिंग करेंगे, ये हो गया वो हो गया। और जाने से थोड़े वक्त पहले ही, मतलब वापिस से, जब हर बार लोग सुनते थे, दोनों गाने सुनते थे, और कहीं ना कहीं क्या होता था, तेरी ओर ना बुलाता था आपको अंदर से, वो ऐसा गाना है। तो बहुत टाइम तक, मतलब मेरे ख्याल से शायद 4-5 दिन तक ये कंफ्यूजन रहा कि ये गाना करें, नया वाला गाना, और या तेरी ओर करें, नया, हम लोग उसको नया पुराना बोलते हैं, नया करे पुराना करे, नया करे पुराना करे। आफ्टर अ टाइम फिर अनिस भाई ने और विपुल भाई ने और इन लोगों ने बोला नहीं यार, वही अच्छा है, जो पुराना है, जो पहले बनाया था वही है, भले स्लो है, भले जो है, लेकिन ये गाना। फिर वहां जाके उन्होंने जो, उन्होंने बोला नहीं मैं शूट करूंगा इसको ऐसे, पिक्चराइजेशन में बहुत कमाल करूंगा, अनिस भाई ने वैसा सोचा और बहुत अच्छा पिक्चराइज किया उन्होंने इजिप्ट में जाके और पिरामिड्स के पास में, और बहुत खूबसूरत गाना बना। बट कई बार ऐसा होता है, यू नो, बड़े बड़े गाने भी ऑलमोस्ट ये होता है कि आईसीयू में होते हैं कि ये गाने मरने वाले, अब ये आने वाले नहीं है जी। और फिर सडनली आ जाता है सबके दिमाग में और फिर सुपर हिट हो जाता है। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी देखिए। आपका शुक्रिया प्रीतम दा, का शुक्रिया, और अनीस भाई के लिए तो बहुत ज्यादा शुक्रिया हम करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो डिसाइड नहीं करते तो ये गाना आपके फैंस तक देखिए पहुंच ही नहीं पाता। नहीं पहुंच पाता, सही बात। तेरी ओर, मतलब भले एक टाइम पे उन्हें भजन जैसा गाना लगाओ, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप टॉप 10 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रोमांटिक गाने यदि उठा लो तो उसमें तेरी ओर डेफिनेटली फीचर होता है। इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट जो है वो गाना रहा था। तो आपने कहीं पे एक ये बात, इसका जिक्र किया ट्रेंड सेटिंग का। हाँ। तो ट्रेंड सेटिंग से एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और आपने आज ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का, तो उस अपॉर्चुनिटी पर मैं इसको कैश करूंगा कि इंडस्ट्री में आजकल एक नया ट्रेंड चल निकला है कैच फ्रेजेस का, और कुछ इंग्लिश अल्फाज और कुछ कैच फ्रेजेस जो है उनको इस्तेमाल करने का। और जैसे मैंने आपको कहा कि अफसाना लिख रहा हूं, ये 3 अंकी प्रोग्राम है, तो इस पर हमने 1950s से लेकर 1980s के जो पहले भाग के लिरिसिस्ट थे उन पर फोकस किया, और सारे लिरिसिस्ट साहिल लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, आनंद बख्शी, क्या बात। और फिर बाद में 1980s से लेके 1999 तक फिर हमने उन लिरिसिस्ट्स पर फोकस किया जिसमें गुलजार साहब जैसे लिरिसिस्ट्स भी आते हैं, समीर अंजान साहब, उनके इंदिवर साहब, इंदिवर साहब, तो इनके, इन पर फोकस किया हमने। और अब ये जो है 2000 और 2020 का ट्रेंड है, तो इसमें जो कैच फ्रेजेस काफी इस्तेमाल आजकल गानों में हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे हुई है। नहीं नहीं नहीं, जैसे अगर मैं, देखिए मेरे पास यहाँ लिस्ट है, आप इजाजत दे तो मैं ये, मैं यू नो, कैच फ्रेजेस आपके जो गाने जो जिन्होंने कमाल कर दिया, मतलब रिकॉर्ड सेलिंग म्यूजिक,
जिसे हम कह सकते हैं, टल्ली हुआ भूतनी के सिंग इज किंग, आपने जिक्र किया इन गानों का 2007 में, फिर लव मेरा हिट हिट सोनिए बिल्लू 2009 में आया था, और दिल गार्डन गार्डन हो गया क्या हिट था साहब, क्या सुपर कूल है 2012 में आया, चिल मारो एक और कैच फ्रेज डबल धमाल में थी, फिर बैंग बैंग ये भी फ्रेज आपने उस वक्त यूज किया 2009 में जब बैंग बैंग, हाँ बहुत पहले जब बैंग बैंग किसी को पता भी नहीं था, पता ही नहीं था किसी को, और एक तरह से टाइटल उस बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप ही के गाने से मिला है। हाँ। और फिर लत लग गई रेस टू में एक और कैच फ्रेज शेक योर बूटिया, जो बाद में और फिर दोबारा 2-3 बार इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे जो ट्रेंड्स है गानों में, और फिर 2014 में सेल्फी ले ले रहे, जो कि सबसे बड़ा ट्रेंडिंग गाना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और मतलब लिस्ट में मेरे बहुत सारे हैं। तो ये सारे गाने जो कैच फ्रेजेस की जो शुरुआत है एक तरह से, वो हमारा रिसर्च ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उस आपने वो स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसके लिए उसमें जान डालने के लिए काफी हद तक आप जो है लोग करते हैं इस तरह का काम। 40s ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भगवान दादा की पिक्चरों में गाने होते थे, मेरी जान संडे के संडे, वो क्या है, कैच फ्रेज ही तो है, है ना, या तो या साहिर साहब ने लिखा है सर जो तेरा चकरा, या दिल आजा प्यारे पास हमारे काये घबराए, तो वो भी बड़ा कैची आइटम सॉन्ग टाइप गाना है। तो ऐसे गाने हमेशा होते रहे इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है। बख्शी साहब ने जिस सिंप्लिसिटी के साथ में, अगर मैंने लिखा साड़ी के फॉल से कभी मैच किया रे, तो आप देखिए बख्शी साहब ने लिखा अच्छा तो हम चलते हैं, कितना सिंपल डायलॉग टाइप गाना है, तो मैं वही सिंप्लिसिटी को कैच करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फिलोसफी गाने लिखने का बहुत सिंपल है कि फिल्मी गाने जो होते हैं वो कविता नहीं है, वो पोएट्री नहीं है, उसमें पोएट्री हो सकती है मगर वो उसका फंक्शन जो है, उसका जो काम है वो पोएट्री का नहीं है। उसका काम है कहानी को कहना या कैरेक्टर के बारे में बताना, या तो कहानी के बारे में वो गाना कुछ बता रहा है, या तो आपको कैरेक्टर के अंदर की कुछ बात बता रहा है जो आपको आप कैरेक्टराइजेशन कर रहा है गाना। ये चीजें अगर आप समझ ले तो बहुत जरूरी है। सो एवरी सॉन्ग इज अ फंक्शन ऑफ द फिल्म दैट इट इज पुट इन। मुझे आजकल का ये ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत जेनेरिक टाइप गाने होते हैं कि कोई भी गाना उठा के किसी भी पिक्चर में डाल दो, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसा गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो आप भले आपको जनरली सबको अच्छा लगे, लेकिन वो बड़ा सिचुएशनल, बड़ा टॉपिकल, बड़ा कनेक्टेड टू द फिल्म। जैसे आज की तारीख में हमने वो सिचुएशन ही बनाना बंद कर दिया, अब हम वैसी सिचुएशन ही नहीं बना पा रहे जो यूनिक और नई सिचुएशन हो। बख्शी साहब कहते थे कि गाना धुन पे नहीं चलता, गाना बोल पे नहीं चलता, गाना सिचुएशन पे चलता है। सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मैं किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बोलूं कि सर कहानी मेरी ऐसी है, लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़का जो है लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, सड़कों पर भटक रहा है, कपड़े फट गए और लोग उसे पागल बोले, लोग पत्थर मार रहे उसे, और लड़की जो है ऐसे में गाना गाती है कि भाई मेरे आशिक को पत्थर मत मारो, क्या ख्याल है आपका, तो डायरेक्टर पहले मुझे थप्पड़ मारेगा, बोलेगा तू दिमाग खराब हो गया तेरा, मतलब लड़की लड़का सड़कों पे घूम रहा है पागल और लड़की गाना गा रही है, ऐसा गाना कौन करेगा ऐसा गाना आज के समाज में। लेकिन बट थिंक अबाउट इट, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोग, ये तो वैशी है, तुम ही होश में आओ लोग, ये लिरिक्स आपको नहीं मिल सकते अगर आप सिचुएशन पे गौर नहीं करेंगे। तो किसी भी सिचुएशन पे गाना हो सकता है, किसी भी सिचुएशन, मगर सिचुएशन यूनिक नहीं और अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है जब आपके पास में बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं होती है तो आप गाने को यादगार कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक श्योर दैट द सॉन्ग इज रिमेम्बर्ड एंड टॉक्ड अबाउट? देन यू हैव टू ऐड द ड्रामा ऑफ अ सिचुएशन इन अ जेनेरिक सॉन्ग, यू हैव टू ऐड द ड्रामा बाय क्रिएटिंग सम गिमिक। वही गिमिक होती है जिसको हम लोग हुक बोलते हैं। अच्छा, that added gimmick जो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि वो गाना कैची हो जाए, लोग पकड़ ले उसको, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि जिससे पकड़ा जाए गाना, जिससे लोगों को याद रहे। तो कैसे याद रहेगा? कोई हुक फ्रेज डाल दो, कोई वर्ड डाल दो, कोई ऐसी चीज जो ट्रेंडिंग है जो लोगों की जबान पे चिपक जाए। तो हम लोग, मतलब हम लोग, मैं और अमिताभ, हम लोग कई बार आपस में जोक करते हैं कि हम दोनों हुक के एक्सपर्ट्स हो, हम लोग हुकर्स हो गए इंडस्ट्री में। अमिताभ भट्टाचार्य की बात कर रहे हो? अमिताभ भट्टाचार्य और मैं और अमिताभ, हमने बड़े हुक दिए इंडस्ट्री में। अमिताभ ने भी बड़े हुक दिए, मैंने भी बड़े हुक दिए। जी जी, ये लेकिन ये हुक की जो भूख है वो मिट्टी नहीं है, उन्हीं का है, और चाय में डूबा हुआ बिस्किट। हाँ,
तो इस तरह का कैची और इंटरेस्टिंग लिख पाना वो भी अपने आप में बहुत एक कला है, इट्स इंटरेस्टिंग। कई बार बहुत ऑड, बहुत अजीब सा मुखड़ा या चीज आपको मिल जाती है और आपको उसको जस्टिफाई, जैसे दिल गार्डन गार्डन हो गया, वो दैट फ्रेज इज नॉट माइन, वो तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और सचिन जिगर ने डिसाइड किया था कि हमको इस पे गाना बनाना है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन उसको निभाया कैसे जाए। तो उस गाने में जो ब्यूटी है वो ये है कि आप उसका अंतरा क्रॉस देखें, हर एक बार जब मुखड़े से अंतरे में जाता है गाना और फिर अंतरे से जब मुखड़े पे वापस आता है, उस लाइन को अंतरा क्रॉस बोलते हैं। तो अंतरे की जो क्रॉस लाइन है वो आप देखिए, वो हमेशा जो काफिये वाली लाइन होती है। तो आप गार्डन के साथ में क्या राइमिंग कर सकते हैं, तो उसमें एक जगह पे मैंने लिखा है कि देखा जब से तुझे है जानी हो गया, मैं पानी पानी दिल का विसर्जन हो गया, कच्ची गली तू है मैं हूँ भौरा, अरे बढ़ गया है मुझको दिल का दौरा, विसर्जन और गार्डन को राइम कर रहे हैं, ऐसी राइम स्कीम। तो मुझे लगता है, अगेन आई विल टॉक अबाउट बख्शी साहब की एक अनयूजुअल राइमिंग पैटर्न लेके आना, ये उनकी खासियत थी। उन्होंने जूली और मामूली को राइम किया है, बात है ये मामूली जूली। तो ये आप सोच नहीं सकते कि इस आदमी का दिमाग कैसे ऐसी राइमिंग कर सकता है। अगर आप सेल्फी ले रहे देखें तो भी दैट्स अ चैलेंज दैट आई लाइक, के कहां धातुना तुना बजे डंका, लंदन हो या लंका, और फिर बाद में आपकी रहे अनुकंपा। तो अनुकंपा वर्ड आप सोच नहीं सकते हिंदी पिक्चर के गाने में आ सकता है जी। तो ये अनयूजुअलनेस को लेके आना ताकि थोड़ा शॉक लगे, और अदरवाइज क्या फर्क है उस गाने में या हुड़ हुड़ दबंग में या सैकड़ों गाने ऐसे हैं जो सलमान खान का इंट्रो होते हैं, उसी गानों में तो दसियों हैं। मुझे याद है कि आपने स्पष्ट और भ्रष्ट और कष्ट को राइमिंग वर्ड्स में यूज किया, ये कुकड़ू को जो गाना है, चिकन कुकड़ू को उसके अंदर है जी। स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। सो वो हाँ, तो मुझे कई बार लगता है ऐसा कि कोई अगर मुझे चैलेंज दे, बोलता है कि ये वर्ड म्यूजिकल नहीं है, तो मुझे बड़ा, मैं बोलता हूँ कि कोई भी वर्ड म्यूजिकल हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने गाना किया था प्रीतम ने और मैंने, तो डिशुम, उसका प्रॉब्लम ही ये था कि प्रीतम ने जब साइन करने के लिए, जब रोहित धवन उस पिक्चर का जो डायरेक्टर है, रोहित धवन बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा बंदा है, तो रोहित जब गया दादा के पास में, प्रीतम दा के पास में साइन करने के लिए, तो प्रीतम दा ने बोला मैं तेरी पिक्चर करूंगा ये, लेकिन इस पिक्चर में तू मुझसे टाइटल सॉन्ग नहीं मांगेगा, क्योंकि डिशुम वर्ड वो बिल्कुल भी म्यूजिकल नहीं है, तो कैसे डिशुम का खाना नहीं बन सकता। और मुझे ये बात पता नहीं थी, जब वो मेरे पास में ट्यून लेके आया रोहित, उसने बोला यार इस पे गाना बनाना है अपने को, और ऐसे ऐसे सिचुएशन टाइप है जो भी, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उस पे लिखा तो डिशुम, किसी को लड़की को छेड़े कोई तो डिशुम, कोई ऐसा करे तो डिशुम, ऐसे करके मैंने तो डिशुम पे बना। रोहित हंस हंस के गिर गया, मेरे को बोला एक चीज मेरे को दादा ने बोली थी कि डिशुम मत करना, और तो आपने डिशुम ही कर दिया, पूरे गाने में इतनी बार डिशुम है। और प्रीतम आज तक मुझसे उस बात से खफा है, नाराज है और झगड़ता है, बोलता है यार डिशुम कोई म्यूजिकल वर्ड नहीं है, तूने डिशुम क्यों डाल दिया गाने में। बट गाना कैची हुआ, पिक्चर का टाइटल फेमस हुआ, उसको पिक्चर को इनिशियल लगा, लोग आए देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पता चला डिशुम नाम के पिक्चर बन। देखिए इसी ट्रेंड सेटिंग की, इसी पैथ ब्रेकिंग क्रिएटिविटी या नॉवेल्टी जो आपने कहा, यू नो आपने आनंद बख्शी साहब का भी जिक्र किया, वो हमें आज के दौर में आप में देखने मिलती है, और आपके फैंस भले आप ना माने ना समझे कि आप वहाँ हो, लेकिन हमारी ओर से जैसे मैंने कहा कि हमने बाकायदा रिसर्च भी कर रखा है, आपके इतने सारे गाने, इतने सारे लिरिक्स है, ये इन्होंने काफी ट्रेंड चेंज किया है जो आप कह रहे हो कि आज के दौर में फिर हमें देखने मिल रहा है। अमिताभ भट्टाचार्य साहब का आपने जिक्र किया, राकेश कुमार साहब भी है, वो भी कैच फ्रेज ला रहे हैं, दिल्ली की गर्लफ्रेंड, वो सारी बातें। तो
हमारी ओर से तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इन कैच फ्रेजेस को जो है गानों में पिरोया और इतने बढ़िया तरीके से, जो म्यूजिकल वर्ड्स भी नहीं है डिशुम जैसे वर्ड्स, वो भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए। और आपने कहा कि कई बार आपको एक लाइन मिल जाती है फिर उसको पकड़ के आप जस्टिफाई करते हो, एक ऐसा ही गाना फिल्म आर राजकुमार सारी के फॉल्स कभी कभी कैच किया रे कभी छोड़ दिया रे, कैसे ये लिरिक्स आपके दिमाग में आए, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसकी ना मैं आपको लंबी स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है शायद आपको इंटरव्यू के लिए एडिट भी करना पड़े क्योंकि बहुत बहुत लंबी कहानी है और बहुत एंटरटेनिंग है कहानी। एक हम अनएडिटेड वर्जन भी रिलीज करेंगे आप जरूर आप देख लीजिएगा। तो प्रीतम के घर पे न्यू ईयर पार्टी होती है अक्सर, हैप्पी न्यू ईयर को, तो 31 जनवरी को हम लोग प्रीतम के यहाँ पे कई बार अच्छा वी ऑल गेट टुगेदर। एंड तो ऐसा हुआ कि प्रीतम के घर पे न्यू ईयर पार्टी थी और प्रीतम बड़ा मुझे थोड़ा ऐसा पर मतलब हाउ कैन आई से थोड़ा ऑफ लगा। और मेरा और प्रीतम का रिश्ता ऐसा है ना कि मैं प्रीतम के साथ में कभी उसके स्टूडियो में जाऊंगा और प्रीतम मेरे कंधे पे हाथ रखेगा और हम लोग 10 मिनट तक चुपचाप खड़े रहेंगे और फिर वी विल बी लाइक या गुड टॉक ब्रो गुड टॉक, और फिर बाद में प्रीतम अपना काम करेगा मैं घर आ जाऊंगा, बात भी नहीं करनी पड़ती है कई बार, बट हमारा कनेक्शन है वैसा यू नो। सो हम लोग तो न्यू ईयर पार्टी थी, मैंने प्रीतम को बुलाया तो क्यों मतलब व्हाई आई एम फीलिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी इज देयर समथिंग रॉन्ग, बोलते प्रीतम बोला नहीं यार मयूर मैं ना ये जो टिपिकल कमर्शियल मासी गाने होते हैं ना ये 6/8 की बीट वाले जो यू नो 6/8 की बीट वाले तो वो जो गाने होते हैं उस टाइप का जो बीट वाले गाने होते हैं जी, बोले मैं थक गया हूँ ये गाने कर करके तो मुझे नहीं करना है तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा डिसाइड कर ले कि भाई उस बीट पे गाना नहीं बनाऊंगा और क्या करना है, इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन ना। बोला करेक्ट तू सही बोल रहा है, मैं इस साल मैं एक भी गाना नहीं बनाऊंगा इस बीट पे। मैंने कहा ठीक है चलो अब हैव अ ड्रिंक एंड एंजॉय, हो गया डिसीजन अब क्या प्रॉब्लम है। हाँ इस साल मैं एक साल के लिए मैं 6/8 की बीट पे गाने नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा चलो वेरी गुड। कट टू ये 31 जनवरी 31 दिसंबर की रात की बात है ये पार्टी, फरवरी में प्रीतम का फोन आया एक महीने बाद बोला मयूर एक गाना है 6/8 का ही है तेरे को लिखना पड़ेगा। मैं तो बहुत हंसा, मैंने कहा प्रीतम तू तो बोला था तू 6/8 का गाना एक साल तक नहीं बनाएगा तो एक महीना नहीं हुआ अभी तो तो प्रीतम बोला हाँ यार लेकिन वो ना पिक्चर के डायरेक्टर प्रभु देवा सर है तो, और प्रभु सर है ना उनको 6/8 की ही बीट ही समझ आती, उनको वही बीट अच्छे लगते, तो मैं जितने गाने सुना सब रिजेक्ट हुआ, मैं जो 6/8 पे सुना था वही अप्रूव होता है तो उनको वही पसंद है। और सिचुएशन के लिए तू जा और मैं तेरे को ट्यून भेज रहा हूँ और तू जाके प्रभु सर से मिल ले जी। अच्छा ये बात है शायद 2013 की या 14 की, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट प्रभु सर जो है वो उस ABCD की शूटिंग हम लोग शुरू कर चुके थे तो प्रभु सर मुझे जानते थे, ही न्यू के ABCD के सारे गाने मैंने लिखे हैं ये वो, तो आई न्यू हिम अ लिटिल बिट, कंफर्टेबल था हमारा। तो उन्होंने बोला मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा प्रभु सर आर यू इन बॉम्बे, या आई एम इन बॉम्बे, I said, so can I come and meet you? I need to discuss that song. Pritam was saying, yeah, you come. You know that Boneji's house. I said, haha, I know where it is. I'll come. मैं चला गया प्रभु देवा सर से मिलने के लिए। प्रभु सर is very sweet. I love him. He's hilarious. तो हाँ, come. I said, sir, will you tell me? You want to hear the story? I said, no, don't tell me the full story of the film and every scene. I don't need to know all that detail. But if you can tell me the story of the film, how it starts, what the characters are, and if you can tell me till the time the story comes to this point when the song starts. Right. So if you chart that journey, then I will write the song. Then so he said, okay, I'll tell you. No, Prabhu Deva is giving me the narration of the film. You say, Mayur, in the movie, there will be bhai, there will be girl. One bhai, one girl. Bhai, see the girl, love at first sight. Girl, not so much. Okay. Story, screenplay, action, meeting, or whatever. At one point in the movie, the boy touch girl. The girl touch boy. The girl touch a boy, boy get shock. Current. Cut to song. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही खतरनाक ब्रीफ है, ये बॉय टच गर्ल एंड कट टू सॉन्ग, तो ऐसा गाना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीतम को बोला ट्यून क्या है, तो उस वक्त प्रीतम ने ट्यून बनाया था, वो ट्यून मेरे पास में आया ईमेल पे, तो उस पर लिखा था तेरी मर्जी,
जो फाइल का नाम था, फाइल का नाम था तेरी मर्जी। तो मैंने प्रभु को फोन किया, मैंने कहा ये वही गाना है जो इन्होंने बोला है प्रभु सर ने करने के लिए। बोला हाँ, एक ही चीज मयूर में मेरी रिक्वेस्ट है तेरे को, प्रीतम ने बोला वो तेरी मर्जी चेंज मत करना जी। जो गाने में मैंने तेरी मर्जी डाला है तो वो चेंज मत करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सुना गाना, तो गाने में मैंने सुना ना 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 तेरी मर्जी 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 ना 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 ऐसा करा। मुझे वो मैंने बोला तेरी मर्जी जो ठीक है ये वो, पर फिर मुझे लगा कि नहीं अपने को कैची भी करना है और सिचुएशन भी वैसी है, तो मैंने पहले तेरी मर्जी चेंज कर दिया। मैंने सबसे पहले वहीं पे ऐड किया कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए टच करके टच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच की आ रहे, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया गाने का जी। फिर मुझे लगा कि लिरिकली आप टच करके कनेक्शन की बात करें, आप अटैचमेंट की बात करें, और अटैचमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट्स नॉट लव, इट्स नॉट इन्फैचुएशन, इट्स नॉट लस्ट, इट्स अटैचमेंट। जेन्युइनली अटैचमेंट कब होता है किसी चीज के साथ में? एक जब कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अटैचमेंट होता है, जैसे साड़ी का और उसका फॉल का अटैचमेंट होता है। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, माय मॉम या माय आंटीज या ये सब लोग जाते थे स्मॉल टाउन के अंदर, वो साड़ियां ले लेके जाते थे, वो कट पीस की दुकान होती थी वो इंडिया में पुराने छोटे शहरों में ना, कट पीस की दुकान जहाँ पे यू कैन गेट ऑल दीज स्मॉल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉथ। वो लोग घंटों कलर मैच करते थे कि यार नहीं ये वाला नहीं मिल रहा है, ये कलर ठीक होना चाहिए। मतलब तो इस देश में जहाँ पे पति के साथ में मन नहीं मिलता है और विचार नहीं मेल खाते हैं, उस पे औरत 40-50 साल की जिंदगी निकाल देती है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन साड़ी का फॉल का कलर मैच नहीं हो तो साला प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारा देश है। So with this insight, I said, हाँ, ये ठीक है, ये लिखता हूँ मैं साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, फिर वो टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, तो मेरा गाना हो गया, मेरा मुखड़ा बन गया एकदम। मैं बहुत खुश हो गया। प्रीतम के पास में गया, मैंने कहा प्रीतम बोला गाना हो गया? मैं बोला हाँ हो गया। बोला प्रभु सर आ रहे? मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ। बोला क्या लिखा बता बता? तो मैंने बोला ये साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़। प्रीतम हा 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 हा, प्रीतम हंस रहा है। प्रीतम बोला अच्छा बता ना लिरिक्स क्या है? मैंने कहा नहीं यही लिरिक्स है। साड़ी के फॉल सा कभी, प्रीतम तू पागल हो गया, ये कोई गाना होता साड़ी के फॉल सा मैच की? क्या क्या नॉनसेंस है ये? आई सेड प्रीतम इट्स वेरी नाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, विमेन विल लव दिस सॉन्ग, यू नो विमेन विल लव दिस सॉन्ग। ही सेज बट विमेन मेन की बात नहीं ये। I said, please understand, it's a good song. Pritam says, Prabhu sir came in this, utni der mein Prabhu sir aage. Prabhu sir aage, Pritam is refusing to go inside the room. Pritam bola, mere ko gana hi nahi unke samne. Ye lyrics main nahi gaunga. Maine kaha, main gaunga. Main gaya andar, aur Prabhu sir baithe, aur Prabhu sir ke saath mein ek unka, I don't know whether is a friend or a manager or whatever, a tall guy is there always. So that tall gentleman was there and Prabhu sir was sitting there. Prabhu sir ka kya hai, jaise yahan pe unke friend baithe aur samne aap baithe ho, aapne kuch bola aur Prabhu sir ko acha lagta na, to he gives a look to his friend, he's like so that's what Prabhu sir does, so you know ke ha aapka jab. So Prabhu sir sat and that tall friend sent and I said sir I will sing the song for you. Prabhu sir said ah sing. तो प्रभु सर का बहुत अच्छा नेचर है, मतलब कुछ ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, ये लवली जेंटलमैन। उनको ये नहीं कि प्रीतम क्यों नहीं सुना रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बॉलीवुड का कोई अपना रेगुलर डायरेक्टर होता ना बॉम्बे का, तो वाह वेरी ज्यादा दादा को बोलो मेरे को गाना सुना है, ऐसा सब उनका, प्रभु सर का ऐसा सब नॉनसेंस नहीं है। तो अब मैंने सुनाना शुरू किया के साड़ी के फॉल सा, मैच किया रे, छोड़ दे टच कर। जैसे ही टच करके मैंने बोला प्रभु सर वेट, मैंने कहा हो गया गाना अप्रूव। और फिर प्रीतम आया तो प्रभु सर सेड सुपर सुपर इट फैंटास्टिक ब्रिलियंट, क्या बात है। तो प्रीतम वाज शॉक्ड, प्रीतम वाज लाइक क्या बोल रहा है, अप्रूव हो गया गाना? मैंने बोला भैया अप्रूव हो गया, उनको पसंद आ गया। और ये गाना उसी फिल्म में एक्चुअली एक और गाना था गंदी बात करके। हाँ जी, प्रीतम को और सबको जो टीम में जितने लोग काम कर रहे थे सबको ये था कि लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे लोग गंदी बात गाने को, दे विल रिमेम्बर के गंदी बात करके कोई गाना था, कमाल गाना। Absolutely, absolutely. और उस वक्त भी मैंने प्रीतम को बोला था कि that's not, मतलब गंदी बात is a good song, catchy song, people will love it in the beginning and everything, but साड़ी के फॉल सा लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा, and that's true. Today people remember साड़ी के फॉल सा आज तक, it's such a fresh song. अभी भी कोई, मतलब लॉकडाउन से पहले एक पार्टी थी हमारे यहाँ पे और साड़ी के फॉल सा इतना बजा और लोगों ने इतना डांस किया।
साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। Sometimes you know you have to believe in what you are doing and stick to your guns. एक चीज है मतलब between me प्रीतम हम लोग और director जो भी होता है हम लोग काम करते हैं थोड़ा एक दूसरे को respect और इज्जत देते हैं like प्रीतम will indulge me. उसको खुद को conviction नहीं है लेकिन अगर वो मेरे को बोलेगा मयूर तेरे को लगता है ठीक है मैं बताऊँ हाँ ठीक है तो बोलेगा ठीक है I will go with your conviction. वो उसकी और कई बार मैंने अपने आप को चेंज किया बिकॉज प्रीतम ने बोला नहीं मयूर ये लिरिक्स ठीक नहीं है ट्रस्ट मी जैसे अगर सेल्फी की बात करेंगे तो आई विल टेल यू दैट स्टोरी ऑल्सो दैट हाउ प्रीतम मेड मी राइट थ्री एक्स्ट्रा लाइन्स एंड दैट मेड द डिफरेंस इन द सॉन्ग. सो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की और प्यार की बात है. देखिए आपके जज्बात जो आपके ख्याल जो कागज पर आते हैं और जो आपका कन्विक्शन जैसे आपने कहा ये मतलब तारीफ काबिल है. और एक पार्टी ऐसी नहीं है अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं जो देसी पार्टीज होती है डीजे कह लो आप एक पार्टी एक बार कोई भी फंक्शन फेस्टिवल इवेंट ऐसा नहीं जाता है जहां पर अगर डांस गाने बज रहे हो तो सारी के फॉल सा ना बजता हो. ये मैं आपको साड़ी के फॉल्सा की एक और कहानी मतलब एक लाइक हाउ द सॉन्ग इज सो लव्ड बाय पीपल. मैं गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया गया था फॉर अ पैनल डिस्कशन. तो मैं आई वाज इन अहमदाबाद और वहां पे पैनल डिस्कशन में मेरे साथ में भावना सोमैया जी थी जो कि बहुत फेमस क्रिटिक है बहुत यू नो वेरी वेरी फेमस जर्नलिस्ट शी इज भावना सोमैया जी. शी वाज देयर एंड कपल ऑफ अदर पैनलिस्ट्स वर देयर. और वहां पे स्टेज पे से जब मेरा इंट्रोडक्शन अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने बोला मयूर जी ने ये किया है वो किया और उन्होंने लिखा है गाना साड़ी के फॉल से. एंड भावना जी इमीडिएटली टर्न टू मी एंड सेड यू हैव रिटन साड़ी के फॉल सा. आई सेड हाउ कैन यू. आई सेड हाउ कैन यू मतलब हाउ कैन यू राइट इट. आई थॉट या तो कोई बहुत ओल्ड व्यक्ति होगा या कोई लेडी हो कोई विमेन होगी बिकॉज इट्स सच अ सॉन्ग दैट वी ऑल लव ऑल साड़ी पहनने वाले जितने लोग हैं उनको बहुत एंड दिस सच अ इट्स सच अ फेमिनिन सेंसिबिलिटी का सॉन्ग. हाउ कुड यू राइट इट यू आर अ मैन. आई सेड या सो व्हाट यू नो. आई सेड आई हैव लिव्ड क्लोजर टू विमेन ऑल माय लाइफ यू नो आई हैव सीन वेरी इंपॉर्टेंट लवली विमेन इन माय लाइफ एंड आई ऑब्जर्व सो आई नो व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक. एंड शी वाज वेरी लाइक शी वाज शॉक्ड एंड शी वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि इट्स रियली कमेंडेबल दैट बीइंग अ मैन यू हैव रिटन साड़ी के फॉल्सा. जी तो आपने ये टीम वर्क की बात की और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करी आप में प्रीतम दा में या जिस भी डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो जैसे रोहित साहब की सचिन जिगर है गिनती के ही हैं. मैंने बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में काम किया प्रीतम है और सचिन जिगर है. उसके अलावा दो गाने सिर्फ मैंने रहमान साहब के लिए किए वो अलग अलग वक्त पे. रहमान साहब के साथ मैं जरूर पार्टनरशिप कर सकता था और हमारा बहुत अच्छा लाइक वी रियली गॉट अलोंग एंड ऑल बट अनफॉर्चुनेटली वो चेन्नई में काम करते हैं मेरी फैमिली बॉम्बे में तो आई कांट गो एंड लिव इन चेन्नई सो दैट्स वन प्रॉब्लम. एंड उसके अलावा एक गाना मैंने शंकर एहसान लॉय के लिए किया लेकिन वो पिक्चर जैसा कि मैंने कहा रिलीज ही नहीं हुई वही सेम अनीस बज्मी वाली फिल्म. अच्छा. तो मैं कह रहा था ना तो वो पिक्चर बन के रेडी मगर वो कभी रिलीज नहीं हुई फिल्म. सो मैंने और ज्यादा लोगों के साथ काम ही नहीं किया. तो ये जो ट्यूनिंग है जो ये जो आपसी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस जो है तो आपने कहा कि प्रीतम साहब ने कुछ आपका 2015 में एक गाना आया जिसने ट्रेंड सेटिंग की मैं कहूंगा सारी हदें पार कर दी पॉपुलैरिटी आप कह लीजिए म्यूजिक सेल की बात कर लीजिए या कई लोग तो वो फिल्म बजरंगी भाईजान देखने इसीलिए गए कि ये गाना सेल्फी ले ले रहे चल बेटा सेल्फी ले ले रहे उसमें था. तो ये कैसे आपके जहन में आया कैसे जहन में आकर फिर कलम पर उतरा और प्रीतम साहब ने आपने कहा कि उसमें कुछ लाइंस का कंट्रीब्यूशन है तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है उसका भी. सेल्फी सेल्फी वर्ड उस गाने की रचना में उस गाने के बनने में सेल्फी वर्ड आखिरी चीज थी जो हुई. वो गाना बहुत टाइम लेके बन एक महीना लगा हमें वो गाना बनाने के जो नॉर्मली मैं 15 मिनट में गाना लिख देता हूँ.
या प्रीतम 15-20 मिनट में आधे घंटे में एटलीस्ट कंपोज कर लेता है गाना, फिर रिकॉर्डिंग वगैरह चलती रहती है, मगर इनिशियल जो थॉट प्रोसेस है गाने का वो विद इन हाफ एन आवर वन आवर मी एंड प्रीतम इफ वी सिट टुगेदर वी क्रैक इट, ऐसे ही काम होता है. बट इस गाने को लेके सबसे पहली बात तो वही खंडाला वाला चक्कर था. बोला प्रीतम ने बोला कि सलमान भाई की शूटिंग चल रही है करजत में और कबीर खान डायरेक्टर है और हमको वहां जाना है और वहां पे ही मतलब काम करना है और दो दो तीन दिन हमको वहीं पे कॉटेज में रहना है, तो तू बैग पैक कर ले और चल मेरे साथ. मैंने कहा ठीक है. तो मैं प्रीतम प्रीतम के जो थोड़े बहुत उसकी टीम में लोग होते हैं टीम प्रीतम वाले वो लोग अपना कीबोर्ड सामान वामान सब लेके हम लोग करजत चले गए. करजत में शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है वहां पे. बोला सबसे पहला गाना जो है मॉर्निंग में हमको बताया गया कि 6 बजे पैकअप करने के बाद में कबीर सर आएंगे और सुन लेंगे क्या बनाया आपने, मगर जो हमको ब्रीफ दिया गया वो बोला कि पहला गाना जो हमको बनाना है वो सलमान सर का इंट्रो सॉन्ग है, यानी कि पिक्चर में वो पहली बार ही विल बी सीन इन दैट सॉन्ग, सो इट हैज टू बी हिज सॉन्ग एंड हिज कैरेक्टर इज दैट ही इज बजरंगबली का भक्त. और पिक्चर का नाम हमको बोला था बजरंगी भाईजान, तो हमको लगा मेरे को लगा बजरंगी उस कैरेक्टर का नाम होगा, मुझे लगा सलमान का कैरेक्टर का नाम बजरंगी होगा ऑब्वियसली, इसलिए बजरंगी भाईजान है पिक्चर. तो अब हमको वो सब क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअली क्या है फिल्म के अंदर, कि उसका नाम एक्चुअली पवन है, ये सब पता नहीं था हमको. एनीवे अब हम लोग सुबह से कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ये कुछ बन नहीं रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है. शाम को 5:30 बज गए ऑलमोस्ट. प्रीतम ने बोला यार 6 बजे तो आ जाएगा कबीर, तो क्या करें. तो प्रीतम ने बोला एक काम करते हैं मयूर, तू ना कुछ तू कुछ रैप लिख दे. मैंने कहा रैप, रैप तो रैप आर्टिस्ट लिखते हैं, मैं क्यों रैप. नहीं नहीं तू कुछ रैप लिख दे सिचुएशन के हिसाब से और फिर तू जो रैप का ट्यून बनाएगा वही ट्यून हो जाएगा. और कैसे भी करके उसको घूम के एक पॉइंट था जो प्रीतम को, प्रीतम ने एक ट्यून बनाया था जो उसको अच्छा लगता था, विच वॉज विच वेंट लाइक के ऐसे है भैया बजरंगी ऐसे है भैया बजरंगी, इतना हमको हमको लगा बजरंगी उसका नाम है कैरेक्टर का. तो बोला तू कुछ भी लिखेगा ना इस पे ले आ तू. मैंने कहा ठीक है. तो मैं ऐसे ही वॉक के ले गया और 5-10 मिनट में मेरे को एक रैप सूझा पूरा. मैं वापिस आया, मैंने कहा प्रीतम सुन, तो मैंने लिखा और मैंने प्रीतम को रैप सुनाया. मैंने बोला खाली एक ऐसा बीट टाइप मेरे को दे दो, तो वहाँ पे सब बैठे हुए और कैसे. एंड दैट वाज आई टेल यू दैट रैप. ओके दैट रैप वाज घात निकट हो बात विकट हो मुश्किल में हो जान घोर समस्या हो कोई या निकले जाते प्राण तो रेना दान तो कर ले ध्यान एक ही नाम जपे जा हो जाए कल्याण तेरा निर्वाण सत्य का बाण कोरे कोरे जीवन को कर दे सतरंगी निर्बल का बल है सच्चाई के है संगी दतक 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 ऐसे है भैया बजरंगी ना तरा रा 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 ता ता. और प्रीतम खुश हो गया. प्रीतम ने बोला क्या लिखा है तूने, माइंड ब्लोइंग, क्या मतलब रैप में तूने कर दिया और ये वो, और बहुत मजा आ गया. और हमको लगा मतलब खत्म हो गई बात, ये दुनिया का बेस्ट गाना बन गया. हम लोग सब बैठ, तब तक इतनी देर में बोला अरे आ गए कबीर भाई आ गए. बोला कबीर सर आ गए, उनका उनके साथ में जो एसोसिएट थे वो आ गए 2-4 लोग और मैं प्रीतम. और प्रीतम इतना एक्साइटेड इस लिरिक्स को लेके इस गाने को लेके. और हमने प्रेजेंटेशन किया पूरा की म्यूजिक व्यूजिक बजा के कीबोर्ड ये वो ट्रैक वैक के साथ में. और प्रीतम ने डांस कर करके गाया कि ऐसे है भाई बजरंगी टाटरारा. आप सोचो मतलब प्रीतम वाज सो एक्साइटेड, हम लोग खड़े होके हम लोग से बैठा नहीं जा रहा था इतना एक्साइटमेंट. और कबीर सर और उनके एसोसिएट वगैरह जो थे वो बैठे थे, उन्होंने ऐसे सुना तो हमने बोला, हमने कहा सर क्या हो गया ये तो बहुत अच्छा गाना है. बोला भजन है, भजन नहीं चाहिए, सलमान खान का इंट्रो हो रहा है ऑन स्क्रीन, कैची होना चाहिए, हुक होना चाहिए उस गाने में, लोग डांस करने चाहिए उस गाने पे. ये तो क्या तुमने बजरंगबली की भक्ति पे गाना लिख दिया. तो हमको लगा नहीं पर वो बजरंगी, बोला नहीं बजरंगी नहीं, उसका नाम तो पवन है और उसका बेसिकली वो बजरंगबली का भक्त है, पर दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बजरंगबली की बड़ी सी मूर्ति आ रही है वो सेटअप है, पर गाने में उसकी कोई वो नहीं है. मतलब तुम गाना ऐसा बनाओ कि कैची हो और लोग डांस करें. जी कहा यार प्रीतम अब तो तू ही कुछ ट्यून बना तो फिर इस पे बात बनेगी. फिर प्रीतम ने जो अब जो गाने की ट्यून है वो उसने बनाई. प्रीतम ने के ता 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 रा ता रा ता ता टर डा 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 रा ता ता टर डा टा टा रा डा, जो बड़ी कैची ट्यून है, इट्स अ ब्रिलियंट ट्यून, ब्रिलियंट. प्रीतम इज अ मास्टर ऑफ मेकिंग कैची ट्यून्स. हां तो उसने वो ट्यून बनाई और फिर बाद में
जब मेरे को बोला कि हाँ ये ट्यून है इस पे लिखना, तो मैंने सबसे पहले जो वर्ड्स लिखे वो यही था तो ना बजे डंका लंदन हो, क्योंकि मुझे लगा अब कूल बनाना है अपने को गाना, तो एक तरफ लंका और लंदन ये भी नहीं हुआ इस तरह का प्रास और इस तरह का एंटी कॉन्ट्रास्टिंग, तो मैंने बोला वो कॉन्ट्रास्ट लिखे आते कि धातु ना तुना बजे डंका लंदन हो या लंका गूंजे रे चारों ओर आपकी रहे अनुकंपा ना डर है ना शंका नाचेंगे हम जोर। तो बात सेलिब्रेशन की हो रही है, बजरंगी की बात नहीं हो रही है, करेक्ट बात हो रही है, हम तो नाचेंगे, किस लिए नाच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये गाना शादी में भी नाच सकते हो, आप ये गाना किसी भी टाइम पे नाच सकते हो इस लेडीज के साथ, तो आपको अटका नहीं रहा है वो पूजा करके या भक्ति भाव नहीं दे रहा है आपको उसमें, ठीक है। अब लेकिन लंका बोलने से क्या होता है आपको बजरंग बली का, क्योंकि बजरंग बली ने धूम तो मचाई थी ना लंका में जाके, उन्होंने तो अपने सोच से लंका जला दी थी, तो आपको वो फीलिंग भी आ गई। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उस कैरेक्टर के साथ में आइडेंटिफाई करेंगे आपका जो बजरंग बली वो भी, मगर एट द सेम टाइम इट इज स्टिल जेनेरिक, इसके अलावा सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब वो लिरिक्स मैंने लिखा तो प्रीतम के स्टूडियो में सब जो काफी सारे असिस्टेंट है वो सब हैं, लॉट ऑफ देम आर बंगाली पीपल और दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी का न्यूएंसेस एंड लैंग्वेज का उनको ज्यादा इतना पता नहीं है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज क्या होता है फिल्टरेशन हो जाता है कि ये गाना सबको समझ आएगा कि नहीं। तो दो चार लोगों ने बोला कि डाटा एटा की अच्छा अच्छा भालो ना एटा की अनुकंपा अनुकंपा के हो गया अनुकंपा, तो प्रीतम ने बोला नहीं नहीं अनुकंपा नाम की एक लड़की मेरी क्लास में पढ़ती थी अनुकंपा होता है रखो रखो अनुकंपा अच्छा है तो अनुकंपा आ गया। उसके बाद में फिर ये जो लाइन थी जोगी चलाए कोई जंतर खेलेगा तेरा अंतर तू आजा गुरु मंतर ले ले, ये नहीं थी लाइन, ये नहीं थी इसकी जगह मुझे अभी याद नहीं है पर कुछ और लाइन थी। और फिर बाद में इट वेंट इन टू सेल्फी ले ले रे था ही नहीं हम लोग उससे बहुत खुश थे कि व्हाटएवर व्हाटएवर ये हुआ और फिर गए और फिर ए ले ले ए ले 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 आएगा और सुपर। तो हम लोग गए सलमान सर को प्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे 25 लोग, यहाँ प्रीतम के स्टूडियो में 8-10 लोग, वहां कबीर सर की ऑफिस के 7-8 लोग और प्रीतम सर और सलमान सर की ऑफिस के 7-8 लोग, मतलब कुछ 25-30 लोगों ने मिलके गाने को अप्रूव किया है तब जाके बनाया होगा। इमेजिन फॉर अ लिरिसिस्ट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्लीज 30 पीपल फॉर ईच लाइन। Absolutely. So, अब हम सलमान सर के पास में गए तो सलमान सर ने बोला अच्छा है ट्यून अच्छा है गाना अच्छा है सब कुछ अच्छा है बट मुझे ये ए ले 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 क्या ले ले। मैंने कहा नहीं सर वो इट्स जस्ट साउंड इट्स जस्ट लाइक यू नो जैसे तारी रप्पा हो गया तो अरी रप्पा में क्या मीनिंग है उसका कोई मीनिंग नहीं है इट्स जस्ट अ वर्ड जैसे यू नो। तो बोला नहीं ये ए ले 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 कुछ होना चाहिए कि तू ये ले ले तू वो ले ले यू नो तू कुछ चुटकी ले ले तू कुछ खुजली ले ले कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर काम करते। फिर मैं और प्रीतम गाड़ी में वापस आए स्टूडियो, स्टूडियो आते आते तो सलमान भाई ने कुछ 30-40 वर्ड का लिस्ट भेज दिया प्रीतम को व्हाट्सएप करके कि तू मेरी चुटकी ले ले रे तू मेरी जप्पी ले ले रे तू मेरी पप्पी ले ले रे ए ले 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 ऐसे करके कुछ 25। तो सलमान प्रीतम ने मेरे को बोला भाई तू लिख दे ये गाना वरना सलमान लिख देगा मुझे कुछ नहीं जम रहा था। मैंने ये क्या ऐसे कैसे चुटकी ले ले रहे जप्पी ले ये क्या होता है एंड आई वाज लाइक मत करो ये सब इट शुड बी जस्ट ले 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 एंड शुड बी जस्ट अ साउंड। देन प्रीतम सेड नहीं मयूर सलमान इज राइट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से अ हुक लैंड्स बेटर अगर उसका सॉरी इट हुक टेक्स ऑफ बेटर अगर उसका लॉन्च पैड सही है यू नो। तो जैसे अब हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा हुक वर्ड अगर हमारे बचपन में हमने सुना तो ओए ओए ये सबसे बड़ा हुक था बहुत बड़ा हुक था बहुत बड़ा हुक तो अब बट प्रीतम बोला कि देख तू ध्यान से सुन उसके पहले वो क्या बोलता है कि तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले तू याद आने लगा है दिल मेरा गाने लगा है क्या गाने लगा है ओए ओए क्या बात। वो बेमतलब नहीं होना चाहिए वो जो हुक है इट शुड नॉट बी जस्ट अ साउंड इट हैज टू हैव अ मीनिंग and if you crack that meaning ke kya le le re aur us launch pad tak to launch pad pe jane ke liye maine bola acha agar log ye kar lete hain ke jo ki chalaye koi jantar khilega tera antar tu aaja guru mantar ye le le re kaun sa guru mantar e le le e le 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 e le 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 re bola ha ab theek ho gaya ab theek ho gaya aur itni der mein hum log baithe the aur there was I think it was ashish pandit who was there in the because pritam ke sath mein ashish hamesha he used to always be there and he's a very sweet guy also a lyricist and understanding of songs is very good with ashish so ashish ne bola to kisi ne to aisa bola
कि चलो यार अभी इसी बात पे सेल्फी ले ले रहे अपन चलते। मैंने कहा मिल गया हुक, यही तो हुक है। तो सबने बोला कि नहीं नहीं तुम मजा कर रहे हैं मयूर, यार जोकिंग। आई सेड नो, बिकॉज़ उस वक्त सेल्फी वर्ड थोड़ा नया था, 2015 में तो पिक्चर आई है, तो ये समझ लीजिए 2014 की बात है जब हम ये गाना बना रहे हैं, 2014 की बात है। तो इट वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम। आई सेड नहीं 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 ये कल्चरल फेनोमेना हो जाएगा गाना, ये दिस सॉन्ग विल बी नोन एज सेल्फी सॉन्ग। देर लाइक क्या बात कर रहे हैं, बोले धातुना तुना लंडन लंका ये वो इतने सारे वर्ड्स हैं, अनुकंपा वलाना फलाना ले ले। आई सेड नहीं, दिस सॉन्ग विल बी कॉल्ड द सेल्फी सॉन्ग, पीपल विल नो इट बिकॉज इट विल बी ए ले 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 चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तो आई मेड इट चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ये हमको प्रीतम भी कन्विंस हो गया, हम सब कन्विंस हो गए। वी वेंट बैक टू कबीर सर और हमने कबीर सर को बोला कि भैया ये, कबीर सर बोले नहीं हो सकता है। अब क्या हो गया, बोला देख मयूर थिंग इज दैट माय कैरेक्टर जो पवन का कैरेक्टर है, सलमान का कैरेक्टर है, वो सेल्फी वर्ड, ही इज नॉट कूल, ही डज नॉट यूज मोबाइल फोन एंड ऑल ऑफ दैट, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, तो वो ये लाइन गा ही नहीं सकता। मर गए। मैंने कहा यार अगर वो नहीं गाएंगे कोरस में डालते। तो प्रीतम ने बोला नहीं अगर हीरो नहीं गाएगा लाइन तो मतलब ही क्या है फिर उसका, ही हैज टू सिंग। कबीर सर ने बोला नहीं वो तो गा ही नहीं सकता। तो फिर बाद में हम लोगों ने, फिर मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया। मैंने कहा ऐसा कर सकते कि पहली बार जब आ रहा है तभी सलमान खुद नहीं गा रहा है, मगर कोई दूसरा कैरेक्टर, कोई डांसर है जो आ रहा है और वो सेल्फी लेता है और वो बोलता है कि चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, और उसके बाद फिर सलमान और बाकी सब लोग गाने लग जाए। कबीर ने बोला आई डोंट थिंक दैट कबीर सर वॉज फुल्ली कन्विंस्ड, बट जस्ट टू गेट द सॉन्ग डन ही सेड के अच्छा ठीक है ऐसा कुछ कर लेंगे। तो रेमो सर शूट करे थे गाना, रेमो डिसूजा, ही वॉज द कोरियोग्राफर। तो मैंने रेमो सर से भी बात किया कि सर प्लीज आप ऐसा एक शॉट लेके ये कर देंगे तो चल जाएगा, मैं मतलब हैव योर डांसर डू इट एंड देन सलमान विल सिंग इट, तो क्या ना मेरा गाना बन जाएगा वैसा जी। और इतने कमाल की बात है कि उसमें बीच के कुछ फ्रेजेस है वो तो गाना खत्म, मतलब रेमो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग और मैं रेमो सर को बोला था कि आप ना आपने वाइड शॉट शुरू किया, आप क्लोजअप पे कब आओगे, क्योंकि क्लोजअप में ये लाइन जो है ना वो चेंज करनी है मुझे और मैं लास्ट मिनट पे दे रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मगर अभी सिंगर आया हुआ, अभी गा रहा है वो स्टूडियो में, नकाश वॉज सिंगिंग, बाद में विशाल डडलानी ने भी गाया होगा ना, मेन विशाल का नाम है, बट वी आई सेड प्लीज गिव मी लिटिल टाइम एंड रेमो इज लाफिंग, ही इज लाइक लास्ट मिनट की हद होती है, मैं शूट कर रहा हूँ गाना तो लिरिक्स चेंज करके भेज रहे हैं, आई सेड प्लीज 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 एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो। And then he said, ठीक है मैं करता हूँ, मगर तू दोपहर तक शाम तक भेज दे whatever. फिर हम लोगों ने फटाफट गाना जो रिवर्क करके last lyrics था वो सब किया। And sometimes it's just last minute panic में वो गाना एक महीने से बना रहे हैं, लेकिन जो last कुछ touches होते हैं, so sometimes great songs are made because you don't give up on them, you keep on working on them till they take their final shape. सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे। क्या बात है, क्या बात है। मगर साहब देखिए आपने ये जो गिफ्ट दिया है सारे सेल्फी जनरेशन को, सारे सेलफोन यूजर्स को, इंडिया ही नहीं ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, और क्योंकि काफी लोग बाहर भी जो है इस गाने को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने किया है, और जैसे आपने जो आई लाइक द वर्ड्स आपने जो यूज की, कल्चरल फिनोमिना आपने इसको बना दिया। तो चल बेटा सेल्फी ले ले रे एक आइकॉनिक
सॉन्ग बन के रहेगा, हमेशा ही रहेगा, ट्रेंड सेटिंग की जो हम बात कर रहे थे। हाँ, उसके बाद से जो सेल्फी कल्चर है वो भी थोड़ा मेन स्ट्रीम हो गया, क्योंकि सी यू हैव टू कीप इन माइंड, आज हमको लगता है सेल्फी बहुत नॉर्मल चीज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड 2014 इंडिया, इट वाज नॉट अ वेरी like it was just something which was like one of the small kya bolte jisko, it was one of the small fringe trends, it was not a big deal, it was not what selfie culture is today. But I thought that youngsters should have fun and we should try and document their lives the way they are documenting their lives, and we should just make it a part of our film lingo, why not. देखिए लिरिसिस्ट के इसी विजन को जो है अफसाना लिख रहा हूँ सलाम करता है, और आपने उस वक्त ये बात सोची जब ये फिनोमिना भी नहीं था और उसको आपने एक तरह से प्रेडिक्ट किया, बहुत बड़ी बात है। आप ये तो पॉजिटिव साइड वाली बात थी बजरंगी भाईजान की, एक सवाल मैं आपसे कहूंगा, इसमें इतना ही इक्वली एफर्टसम और एक बहुत ही बढ़िया बहुत खूबसूरत लिखा हुआ जिसमें बहुत हार्डवर्क दिखाई देता है, चिकन कुकड़ू को एक सॉन्ग था इसी फिल्म में, और बहुत शानदार उसके लिरिक्स जो चौक चांदनी और चौधरी का ढाबा शुरू होता है, आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं पिकअप हुआ, वो इतना हिट क्यों नहीं हुआ? आपको मैं एक बात बताऊं संतोषी, हर इंटरव्यू में या हर हर जिन लोगों से मैं नॉर्मली बात करता हूँ ये हमेशा सवाल आता है कि सेल्फी इतना हिट हुआ तो कुकड़ू को इतना हिट क्यों नहीं हुआ। अच्छा। और मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आपने याद किया ना, आपको याद आया ना अभी तो। हाँ जी जी करेक्ट। तो क्या होता है किसी बॉल पे सचिन तेंदुलकर का 6 लग जाता है, किसी बॉल पे 4 लग जाता है, किसी बॉल पे 2 रन लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो 2 रन भी बहुत जरूरी होते हैं जी। तो कुकड़ू को भी वो उस पिक्चर में वो 2 रन वाला गाना है और सेल्फी है वो सिक्सर है, मगर उस 2 रन, लेकिन मुझे वो 2 रन बहुत प्यारे, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट मुझे लगता है कि वो 2 रन से मेरी सेंचुरी कंप्लीट हुई। मुझे कुकड़ू को गाना इतना पसंद है और इतना मुझे लगता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग, न सिर्फ लिरिकली बहुत मेहनत वाला गाना है, मतलब जब मैंने बिगिनिंग में लिखना शुरू किया था तो प्रीतम इतना हंसा था, बोला तू क्या मतलब मुगलाई ढाबा का मेन्यू लेके बैठा है ये गाना लिखने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट इट्स, देयर इज अ लार्जर फिलोसफी बिहाइंड द सॉन्ग इन इंडिया, अगेन 2014 की बात कर रहा हूँ, I wouldn't say intolerance, but we have become skeptical and we have become too cynical. We have started looking into other people's plates, जो पहले नहीं होता था। मैं मेरा पूरा बचपन 26 years तक I've been a strict vegetarian, ठीक है? लेकिन अगर मेरे घर में और लोग नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग एक टेबल पे खा सकते थे खाना और हम एक दूसरे को जज नहीं करते थे, भाई वो अंडे खाता है मैं नहीं खाता हूँ, ऐसी बात थी सिंपल, मगर अब नहीं हो सकता। 2014 के बाद से मतलब थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हम लोग हो गए उस बात को लेके। तो मुझे भी लगता है और कबीर सर को भी लगता है कि ये शायद हिंदी फिल्मों का वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल सॉन्ग्स है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाला सॉन्ग। Absolutely. यार उस गाने में एक लाइन है कि सभी एक प्लेट में एडजस्ट हो जाएं। क्या बात है? ये लाइन है उसमें, विच इज माय विजन ऑफ इंडिया, मेरे लिए भारत वो है, एक ही प्लेट में हम सब खा, एक ही प्लेट में हम लोग सब है, यू नो वी शुड लर्न टू लिव एंड कोएग्जिस्ट विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करेंगे तो ये थाली बेमानी हो जाएगी, यू नो हम लोग पिज्जा और बर्गर नहीं है, हम लोग थाली है, उसमें 10 चीजें होती है, 15 चीजें होती है, हमारा मील एक चीज नहीं हो सकती है, आवर मील इज डाइवर्स एंड वैरीड, एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज, एंड दैट्स व्हाट वी शुड बी, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स फूड, ईच अदर्स religion, each other's lifestyles, whatever. We should be more respectful towards each other. ये बड़ा भारी concept है, मगर उसको fun तरीके से हंसते खेलते आप कैसे बोल सकते हैं? तो मैंने उसके लिए मतलब कुकड़ू को वे you know दे किचन से आवाज चिकन, क्योंकि मैं बचपन से मेरे को लगता है चिकन किचन you know it's very similar sounding words, तो मुझे बचपन से इच्छा थी कि कहीं पे यूज हो जाएगा तो मैं जरूर करूंगा, तो आई यूज इट, किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। सो ये समटाइम्स इट इज इट्स लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स अ फ्रिंज सॉन्ग, मगर जैसे जितने लोग सेल्फी को चाहते हैं शायद उससे कम लोग कुकड़ू को चाहते होंगे, लेकिन जो चाहते हैं वो बहुत चाहते हैं। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहां शोर शराबा,
कीजिए, क्या है इरादा, चाहिए नान या रोटी, चाहिए नान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। सेम थिंग इज देयर, मेरी पहली फिल्म एज अ कंप्लीट लिरिस्ट, मतलब कि जिसमें सारे गाने मेरे थे, वो फिल्म का नाम था प्यार के साइड इफेक्ट्स। उसका एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, तौबा मैं प्यार करके पछताया, तौबा मैं प्यार करके पछताया, लाभ जांजुआ ने गाया था, वो बहुत सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना था उसमें। लेकिन आज लोग जब उस पिक्चर के बारे में याद करते हैं, तो लोग याद करते हैं जाने क्या चाहे मन बावरा, उसी पिक्चर में आएगा जी। तो आपने भी जिक्र किया था उसका, तो क्या होता है, हर सिर्फ सेल्फी लिखना काफी नहीं है। एक अच्छा लिरिसिस्ट होने के लिए आपको सेल्फी भी लिखना चाहिए, कुकड़ू को भी लिखना चाहिए। जहां मैं जो चाहता था कहना, मेरे दिल की बात है, मैंने कही है, कितने लोगों को पहुंचे, पसंद आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। I have tried my best. नहीं देखिए, ये बेस्ट डेफिनेटली पहुंचा है, और अफसाना लिख रहा हूँ सिर्फ उन्हीं सॉन्ग्स को हाईलाइट नहीं कर रहा है जो पॉपुलर हुए हैं। जैसे हमने कुछ एक बातें जो हमारे पिछले एपिसोड्स में करी, एक पंडित नरेंद्र शर्मा की बात करी हमने, सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल रिकॉग्निशन ना मिला हो, यू नो फिल्म फेयर ना मिला, नॉमिनेशंस नहीं मिले, जो भी है, लेकिन वो गाना जो है एक ऐतिहासिक मोमेंट, एक ऐतिहासिक गाना बन चुका है और आज भी लोगों की लाइब्रेरी में है। और अनजान साहब के कुछ गाने, भले उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया नहीं किया गया, समीर अनजान साहब के फादर जो, उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो हार्ड वर्क है, मैं दर्शकों के साथ में भी ये शेयर करना चाहूंगा मयूर जी, कि जरूर इस गाने को आप दोबारा सुने और इसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड करें। बहुत मेहनत इस गाने में गई है, जो अगर आप ही के अल्फाज अगर मैं यूज करूँ मयूर जी, के इस गाने का तील का जो है ताड़ बनना चाहिए था, ताड़ बनना चाहिए था, और वो गाने। I'm very very I'm so happy that you're talking about this, because इस गाने के अंतरे जो हैं वो मुझे बहुत प्यारे, मतलब राय का पाड़ हुआ दिल का ताड़, it is so catchy and so fun, मुझे खुद बहुत, it's one of my favorites, I really love it। ओ दिल का ताड़ हुआ, राय का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ, लाओ कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए, थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी बिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। बहुत बढ़िया गाना आपने लिखा है, भले वो फॉर व्हाटएवर रीजंस वो इतना ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं अमेरिकन ऑडियंस से जरूर कहूंगा कि प्लीज इसको आप गाने को दोबारा सुने और ध्यान से सुने, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, और ये जो मतलब एक गाने की जो मिसाल होनी चाहिए वो इसमें सब है। और जैसे आपने कहा कि मैसेज, तो कितनी गहराई वाली बातें इसमें कही गई है, खाने के पदार्थों के माध्यम से जो है आपने दिलों को कनेक्ट किया है, बहुत बढ़िया साहब। एक पॉजिटिव बातें तो हमने काफी कर ली, एक छोटा सा एक आपकी इजाजत हो तो एक इल्जाम मैं आप पे लगाना चाहता हूँ। जरूर। और वो ये है कि बेसिकली आपने जो है
हंसाते हंसाते लोगों का मनोरंजन करते करते उन्हें कहीं जाकर रुला दिया, और मैं बात कर रहा हूँ एबीसीडी टू की। माई तेरी चुनरिया लहराए, और क्या मतलब क्या कहे साहब उसके बारे में, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है। आप लिरिसिस्ट है, आप ही बताए कि आपके जहन में क्या बातें हुई उस वक्त, कैसे ये गाने की उपज हुई, और क्या आपके भी आंखों में आंसू निकले थे जब आपने ये गाना लिखा था? बहुत प्यार है मुझे अपनी माँ से, मैं आज जो भी हूँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसका बहुत, उसकी बहुत बड़ी वजह मेरी माँ है। बिकॉज मेरी माँ, अगर आपने ओम शांतियों पिक्चर देखी है तो उसमें जो किरण खेर का कैरेक्टर है, किरण आंटी का जो कैरेक्टर, जो ओम शांतियों में जो ओम की माँ का जो कैरेक्टर है, वो कम्प्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम माई ओन मदर। मेरी मम्मी वैसी हैं, वो बड़ी फिल्मी हैं और वो बड़ी शौकीन है फिल्मों की, म्यूजिक की, एंड हर लैंग्वेज इज वेरी कलरफुल। मेरी माँ और मेरी नानी जो है उनकी जो, जब व्हेन दे टॉक ना, दे हैव वेरी कलरफुल लैंग्वेज, मुहावरे और ये वो, बड़े बड़े कलरफुल एक्सप्रेशन है उनका। तो बचपन से मैं उनकी जबान सुनता आया हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने, एंड शी इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड वेरी स्वीट चीज, सो आई लव माई मॉम। मैंने एंड ऑफ कोर्स आई लव माय डैड आल्सो अ लॉट। मैंने मेरे डैड, मतलब एक बेटे का और बाप का या बच्चों का जो रिश्ता होता है, उस पर एक गाना लव यू डैड करके लिखा था टेल मी ओ खुदा के अंदर। बट द इमोशन अबाउट व्हाट अ बॉय फील्स फॉर हिज मदर, हम लोगों ने उतना ज्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। उसके पहले मेरे को ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिली थी। एबीसीडी टू का स्क्रीन प्ले जब मेरे पास में, बिकॉज आई हैव डन द एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग, आई फ्री रिटन द स्क्रिप्ट फ्रॉम द ओरिजिनल ड्राफ्ट जो तुषार हीरानंदानी ने और रेमो ने लिखा था। बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले, इंटरेस्टिंग स्टोरी और बेस्ड ऑन अ रियल थिंग। बट मुझे लगा कि जब मेरे पास में स्क्रीन प्ले आया तो मैंने देखा कि ये चुनर वाले गाने की कोई सिचुएशन ही नहीं थी उसमें, फिल्म ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में। फिर जब मैंने पढ़ा स्क्रीन प्ले और मैं उस पर काम करने लगा तो मुझे लगा कि, और हमको पता था कि वरुण धवन कर रहा है, तो मैंने कहा वरुण, आई शुड मेक हिम लवेबल टू द ऑडियंस, आई शुड, इवन तो उस फिल्म की बिगिनिंग में वो बहुत बड़ी गलती करता है, बहुत बड़ी चूक होती है उससे, मगर वो कैरेक्टर ही क्या जो ऑडियंस को, भले चूक हो जाए लेकिन ऑडियंस को उससे प्यार तो होना ही चाहिए, हीरो है वो, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने मैंने सोचा इसका, इसको बहुत ही तोड़ दिया जाए, इसको मतलब ये आम छोटी सी बात नहीं है कि किसी कंपटीशन में गया वहां से डिस्क्वालीफाई हो गया, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाउ विल ही फील गिल्टी, क्योंकि अगर वो गिल्ट फील करेगा तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गिल्ट से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Absolutely. He should feel bad about what he's done and he should have done something really bad. तो आई रोट दैट सीन जहां पे मैंने वो कॉन्सेप्ट डाला कि उसकी माँ थी जो कि बहुत बड़ी डांसर थी, और वो मतलब इतनी बड़ी डांसर थी कि वो पाँव में घुंघरू बंधे थे, एंड शी डाइड वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। ये मैंने रेफरेंस पे वहां पे डाला है, विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। माई वाइफ उल्का, शी लर्न्स कथक फ्रॉम उमा डोगरा जी, और उमा डोगरा जी के जो गुरु जी थे पंडित दुर्गा लाल जी, दुर्गा लाल जी परफॉर्म करते करते ही पास्ट, ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट व्हाइल घुंघरूज वर देयर ऑन हिज फीट। तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे कमाल, वॉट इज अ बेटर एग्जिट फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर अ परफॉर्मर, फॉर अ लाइव परफॉर्मेंस देन दिस, कि उनके पाँव में घुंघरू थे एंड ही कोलैप्स्ड ऑन स्टेज एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक। वैसे ही गुजराती नाटक की लैंग्वेज, गुजराती नाटक के जो बारे में अगर हम बात करें तो प्रवीण जोशी जो बहुत बड़े एक्टर हुए, उनकी डेथ ऐसे ही हुई, वो ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और एक बालकनी का सेट था और वहां से वो गिरे एंड ही फेल एंड ही डाइड। सो एक आदमी परफॉर्म करते करते तो कितना बड़ा उसका कैरेक्टर हो जाता है। तो आई पुट दैट इन द स्टोरी कि तुम्हारी माँ वो थी जो घुंघरू बांधे हुए शी डाइड ऑन स्टेज, और तुम वो हो, ऐसी माँ के बेटे होके तुमने चीटिंग की। तो आज बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें, वो बोलता है कि तुमने आज अपने साथियों का, अपना और हम सिर्फ हिंदुस्तानियों का, सिर्फ इन्हीं का नहीं मगर शायद स्वर्ग में बैठी हुई अपनी माँ का सर भी शर्म से झुका दिया है। इतनी बड़ी गलती, यू हैव डिसग्रेस्ड योर डेड मदर। भगवान ना करे किसी बेटे को ये सुनना पड़े कभी लाइफ में, कितना टूट जाएगा। एंड दैट ब्रेक्स हिम। अब जब इतना बड़ा ब्रेक होता है किसी का, यू नो सेल्फ का, इतना यू नो जब कोई आदमी इतना टूटता है तो आप कहानी आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको उसके दुख में शामिल होना पड़ेगा दो मिनट के लिए। ये कैरेक्टर को इज्जत देने वाली बात है, उस कैरेक्टर की जो व्यथा है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो पेन से वो गुजर रहा है, आपको दो मिनट उसके साथ रहना पड़ेगा, यू नो। सो देन वी डिसाइडेड दैट यहाँ पे ये गाना होना चाहिए। ये
इट्स लाइक एक्चुअली इसकी जो मेलेडी, इसकी जो ट्यून है वो एक गुजराती गरबे की तरह है, जो सचिन जिगर ने कंपोज किया था, सचिन जिगर ने बनाया था, और उनके पास में डमी वर्ड्स में भी इतना तो था कि जो जो गुजराती में माड़ी तारी चूंद लड़ी लहरानी, ऐसा एक फ्रेज था उनके पास में ऑलरेडी. सो आई सेड कि ठीक है इस गाने को हम लोग हिंदी में करते हैं, बट आई सेड आई नीड टू एस्टैब्लिश व्हाट, सिर्फ माँ की चुनरिया तो ऐसे तो चुनरी चुनरी हो जाएगा, इट्स नॉट अबाउट दैट. व्हाट इज वो माँ का आंचल क्या होता है एक बेटे के लिए. एंड देन व्हेन आई लुक बैक टू माय चाइल्डहुड आई रियलाइज दैट जब जब डांट पड़ती है कि घर में फूलदान टूट गया, किसने तोड़ा वे फूलदान, अरे बाप रे भागो, माँ छुपा लेती है अपने आंचल, मेरे छोड़िए जाने दीजिए गलती है बच्चा है. अरे यू नो हर बार जब आपकी गलती होती है बचपन में, हर बार जब व्हेन यू हैव काइंड ऑफ स्क्रूड अप योर मदर हैज सेव्ड यू, आप माँ का जो आंचल है वो ढाल बन के आपके और दुनिया के बीच में आ जाता है. इसीलिए वो लाइन आई कि जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया है लहरा. सो दैट अगर आप देखें ये गाना आप सिर्फ, और मुझे पता था कि यही गाने के वर्ड्स या यही गाने का रेफरेंस मैं क्लाइमैक्स में भी यूज करूंगा इस पिक्चर के, बिकॉज क्लाइमैक्स में जो गाना है जो दलेर मेहंदी जी ने गाया है, जिसमें वो जो माँ का आंचल की बात चुनर गाने में है, वही क्लाइमैक्स में जाके वो तिरंगा बन जाता है, क्योंकि भारत भी तो माता है, भारत माता है जैसे आपकी माँ, वही इमोशन वहां पे जाता है. और वहां पे वो बोलता है कि रंग केसर शूरा वाणिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, हरा रंग जो है वो हमारी ग्रीनरी का फेलिसिटी का प्रतीक है, रंग चिट्टा नियत साफदा, जो सफेद रंग है हमारे झंडे में वो हमारी साफ नियत का प्रतीक है, और रंग तीनों जान से प्यारे हैं, ये तीनों रंग मुझे जान से प्यारे हैं. और फिर वो बोलता है रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए. तो इट दिस माँ का जो आंचल है उसके तीन रंग जो भारत माता का तिरंगा बन जाते हैं. सो ये दो बुकेंड्स के बीच में एबीसीडी टू की कहानी, ये दो बड़े बुकेंड्स हैं ये जो दो गाने हैं. और यू नो And this graph I had charted when I was doing the screenplay, कि ऐसा होगा और ऐसा होगा. और फिर बाद में luckily I got the tunes from Sachin Jigar which were so beautiful to and so conducive to express these thoughts. So that's the story of my Teri Chunar. क्या कहे साहब, हम मतलब आपने इतने लोगों को रुलाया लेकिन लोग खुश हुए आपसे, और आपको मतलब ये जो गाना था इसमें, और ये जो आपने खासकर जब क्लाइमेक्स में उस वक्त में जो पहले जो फिल्म में आता है उस वक्त तो काफी वो काफी इमोशनल है, देता है, इमोशनल कर ही देता है लोगों को. लेकिन जब दोबारा आपने उसको विजन किया और उस गाने में इंसर्ट किया, डांस कंपटीशन जब हो रही होती है, और उस वक्त तो मतलब सारी आंखें थिएटर्स में नम थी. और एक यादगार गाना है जो आपकी कलम से आया है और वो हमारे सारे दिलों में बसा रहेगा. तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे बुढ़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, तेरी चुनरिया. मयूर जी, इस वक्त मैं हमारे दर्शकों से एक बात कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों. और पिक्चर इसलिए बाकी है क्योंकि मयूर जी के साथ गुफ्तगु हो, बात हो, और ओम शांति ओम का जिक्र ना हो, और इन हिस्टोरिक डायलॉग्स का जिक्र ना हो. मुझे लगता है जब से ओम शांति ओम रिलीज हुई उसके बाद से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो है हजारों बार पिक्चर अभी बाकी है दोस्त इसका इस्तेमाल किया होगा. और यदि आप इसको कॉपीराइट कर लेते आज अनफॉर्चुनेटली आप डायलॉग को कॉपीराइट नहीं कर सकते. अगर मैं कर पाता और अगर एक रुपया भी मुझे मिलता हर बार जब
कोई बोलता है ये गाना ये डायलॉग तो अब तक बहुत पैसे कमा चुका होता मगर जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है और जब बहुत लोग उसे प्यार करने लगते हैं और बहुत ज्यादा स्नेह और बहुत ज्यादा आदर उस चीज को देते हैं तब वो कलाकार की नहीं रहती। मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है, अब मेरा डायलॉग नहीं है, अब ये सबका है, अब ये बिल्कुल इस पे कॉपीराइट हो ही नहीं सकता, ये सब ये इतना इसको प्यार और इतना इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ कि अब वो मेरा नहीं हो सकता। देखिए जब निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी ईजाद की थी वो चाहता तो कॉपीराइट करके अपने पास में पेटेंट बना के रख सकता कि आप और कोई बल्ब ना बना सके या और कोई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस बंदे ने सोचा कि नहीं ये इतनी जरूरी चीज है कि ये सबके लिए होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए जी। तो उसने कभी कॉपीराइट से पेटेंट नहीं किया, टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी को पेटेंट नहीं किया। सो आई थिंक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप सब जो जो जहां जहां यूज करना चाहते हैं बिंदास यूज करें, मुझे क्रेडिट भी देने की जरूरत नहीं है, नाम भी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू मी, इट इज योर्स नाउ, इट इज एवरीबॉडी। देखिए पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये जो डायलॉग्स है ये हिंदुस्तानियों के और जो भी हिंदी समझने वाले फिल्म्स देखते हैं उनके दिलों में जो है ये हम कहेंगे कि विद रोजेटा स्टोन जो है डायलॉग्स लिखे जा चुके हैं ये तो मैं दर्शकों से ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, ये तो आपकी यू नो ग्रेटनेस है, आपकी महानता है कि आप कोई कॉपीराइट इस पर रखना नहीं चाहते और यूनिवर्सली हम लोगों को आपने दे दिया आपके फैंस को। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब भी लोग इसको इस्तेमाल करें वो एक बार आपको सैल्यूट जरूर करे। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो हो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अफसाना लिख रहा हूं मैं, हम इसी बात का जिक्र करेंगे और जितनी शिद्दत से आपने आपका काम करने की कोशिश की है उसी इस शिद्दत की वजह से जो है हर जर्रे जर्रे को कायनात ने आपका फैन बना दिया। अरे हाउ नाइस। तो मयूर साहब आप अफसाना लिख रहा हूँ इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े, इस अफसाने का हिस्सा बने, इसके लिए मैं संतोष शर्मा सुर और ताल की ओर से, हमारे यूएस के सारे सब्सक्राइबर्स की ओर से, आपके चाहने वालों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और चाहता हूं कि इसी तरह से आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहे, लिखते रहे, स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे और कई सारी फिरदौस और हमें दे, शॉर्ट फिल्में ही नहीं लंबी लंबी फिल्में भी आप हमें दे। मयूर साहब जो है एक हिस्ट्री आपने बनाई है इस फिल्म की, उस सब उस उन सारी बातों के लिए, इन तमाम गानों के लिए, तमाम डायलॉग्स के लिए आपको हमारी ओर से सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया सुरर ताल के इस प्लेटफॉर्म पे और संतोष जी खासकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और सभी दर्शकों को सभी सुनने वालों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत स्नेह आप सबके लिए, आपने इतना लायक समझा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एवरीवन इन लाइफ। थैंक यू संतोष जी, आई होप कि आपका ये जो सफर है अफसाना लिख रहा हूं का ये चलता रहे और ऐसे ही अफसाने और आते रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस है ये अपने देश से अपने लोगों से जुड़े हुए रहने का, हमारे और यू नो टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड होपफुली समडे आई विल मीट यू इन पर्सन एंड व्हेन दिस कोविड एंड पैंडेमिक एंड ऑल दैट इज नॉट देयर होपफुली वी विल मीट एंड विल टॉक मोर। Absolutely, इंशाल्लाह किसी दिन जो है मिनियापोलिस में आपका शो करेंगे और यूएस में जो है आपको होस्ट करेंगे और फिर आपके डायलॉग्स आपसे इन पर्सन सुनेंगे। जरूर जरूर जरूर। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।